हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कन्फर्मेंस टेस्टिंग एंड व्हाई देर इज अ नीड फॉर कन्फर्मेंस टेस्ट। अब देखिए, कोई भी अगर प्रोडक्ट होता है, सपोज आपका मोबाइल फोन है या कोई भी NB-IoT डिवाइस है या कोई राउटर है, सपोज आपको लॉन्च करना है किसी बाहर की कंट्री में, तो वहां पे क्या होता है, आपको कन्फर्मेंस टेस्टिंग करानी पड़ती है अपनी डिवाइस के ऊपर, ताकि ये वैलिडेट हो सके कि ये जो डिवाइस है ये ऑलरेडी कंप्लाइंट है और इसके अंदर सारी फंक्शनैलिटी चेक की गई है, बकायदा टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करे गए हैं उस डिवाइस के ऊपर जो भी आप मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो। तो उसको देखते हुए पूरे आपने टेस्ट के चलाए हैं, उसका एक एक फीचर टेस्ट हुआ है, पूरी रिपोर्ट्स जनरेट हुई हैं, तब जाके आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। आप बोल सकते हैं कि ये जो डिवाइस है पूरा कन्फर्मेंस सर्टिफाइड है। अब देखते हैं आगे स्लाइड के अंदर। अब देखिए, सपोज आपके पास कोई इक्विपमेंट अंडर टेस्ट है, EUT या DUT डिवाइस अंडर टेस्ट, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी आपको डिवाइस है उसका अगर आपको कन्फर्मेंस टेस्ट करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं ये टेस्ट प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं, सिमुलेटर्स भी बोल सकते हैं। तो इनके हेल्प से ये जो कन्फर्मेंस टेस्ट सिस्टम होते हैं, इनकी हेल्प से आप ये जो EUT है, इक्विपमेंट अंडर टेस्ट, उसको वैलिडेट करते हैं। उसके सारे फीचर आप इस कन्फर्मेंस टेस्ट सिस्टम की हेल्प से वैलिडेट करते हैं कि ये डिवाइस के अंदर सारे जो फीचर्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं, तभी आपको कन्फर्मेंस टेस्ट का सर्टिफिकेशन मिलता है। अब ये जो कन्फर्मेंस टेस्ट सिस्टम है, इसके अंदर है क्या? अब देखिए, ये जो सिमुलेटर है, आप एक तरह से इसको मान सकते हैं ये पूरे का पूरा टावर है। सपोज आपके पास एयरटेल सिम है, जियो सिम है, और आप अपने मोबाइल के अंदर डालते हो, तो वो किसी टावर से लैच करके आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो वो सेम ये आपका सपोज डिवाइस है, और ये पूरे का पूरा एज ए टावर आपको सर्व करेगा, एक तरह का ये नेटवर्क आपको प्रोवाइड करेगा, जिसकी हेल्प से आप सारे टेस्टिंग कर सकते हैं विदाउट आप रियल टाइम में जाके। ये पूरा लैब एनवायरनमेंट के अंदर होता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप एक अपनी लैब के अंदर बैठ के सब कुछ वैलिडेट कर सकते हैं, सारे प्रोटोकॉल्स वैलिडेट कर सकते हैं, सारे फीचर्स वैलिडेट कर सकते हैं, LTE के, 5G के, 2G, 3G, 4G, 5G, सारे जो हैं आप इस बॉक्स की हेल्प से आप कर सकते हैं। अब जो कन्फर्मेंस है वो किसी के ऊपर भी हो सकता है, 2G के ऊपर भी, 3G के ऊपर भी, 4G के ऊपर भी, किसी के ऊपर भी ये कन्फर्मेंस हो सकता है। अब ये जो कन्फर्मेंस टेस्ट सिस्टम है, अब इसमें क्या होता है, जैसे ये GCF सर्टिफिकेशन होता है या 3GPP होता है या PTCRB सर्टिफिकेशन होता है या फिर ऑपरेटर सर्टिफिकेशंस है, जैसे कि आप बाहर की कंट्रीज में जाओगे तो वहां के ऑपरेटर आपसे कहेंगे कि आप ये सारे सूट, टेस्ट सूट आप अपने डिवाइस के ऊपर चलाइए, अगर वो पास होगा तभी आप हमारे जो नेटवर्क है उसके साथ अपना मोबाइल फोन या कोई भी आपका प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, तो उसका अलग सर्टिफिकेशन होता है। तो जो एक कन्फर्मेंस टेस्ट होता है, अगर ये एक बार आपने करा लिया किसी डिवाइस का, सपोज कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, सैमसंग हो गया या ओप्पो हो गया बाहर की कंट्री में, और ये इंडिया के लिए मैंडेटरी नहीं है, कन्फर्मेंस टेस्ट इंडिया के डिवाइसेस के लिए मैंडेटरी नहीं है, मेनली ये यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका है वहां के रीजन में अगर आपका डिवाइस जाता है तो वहां पे ये कन्फर्मेंस रिक्वायर्ड है। तो ये आप अब इसके अंदर ये GCF, PTCRB, ये दोनों सर्टिफिकेशंस होते हैं जिसके अंदर कन्फर्मेंस टेस्ट केसेस चलते हैं। जैसे जैसे कोर्स आगे चलेगा हम धीरे धीरे सारी चीजों को कवर करेंगे, ये जस्ट एक ओवरव्यू है कि आपके पास एक डिवाइस है, आप एक सिमुलेटर या टेस्ट प्लेटफॉर्म की हेल्प से अपने डिवाइस को वैलिडेट करते हो और फिर आप उसको आगे सर्टिफिकेशन लेते हो ताकि आप उस डिवाइस को लॉन्च कर सको। तो अभी ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, अभी सिंपल रखते हैं। आपके पास एक मोबाइल फोन था, आपको यूरोप में लॉन्च करना था, आपने सर्टिफिकेशन कराया जहाँ पे आपने कन्फर्मेंस टेस्टिंग करी, तो ये आपका सिस्टम अंडर टेस्ट है, उस पे आपने कन्फर्मेंस टेस्ट सिस्टम की हेल्प से आपने कन्फर्मेंस टेस्ट किया और वैलिडेट किया। अब दूसरा आता है, आपको इसकी जरूरत क्या है? ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, जैसे बहुत सारे रीजंस है कि आपको ये क्यों कराना पड़ता है,
अब बार बार आप टेस्टिंग अगर कराते हो तो आपको बहुत पैसा उसके ऊपर लगता है, और आपकी जो जितनी लेट आप बग फाइंड करोगे उतनी ज्यादा उसकी कॉस्ट हो जाती है। तो अब रिसोर्सेज की भी कमी है, अगर आपको बार बार टेस्ट कर रहे हो आप इस चीज को, तो उसमें रिसोर्सेज चाहिए, और फिर आपको लॉन्च भी करना है, तो अगर आप टेस्टिंग ही करते रह जाओगे तो आप लॉन्च कब करोगे, तो टाइम टू मार्केट प्रेशर रहता है, और बजट भी रहता है, अगर बहुत बार बार टेस्ट कर रहे हो तो बजट भी आपका बिगड़ेगा, है ना। तो वो भी एक है, मल्टी कैरियर रिक्वायरमेंट सपोर्ट। अब क्या होता है, जैसे कि आपका डिवाइस है सपोज, अगर आप उसे लॉन्च करते हो तो सारे ऑपरेटर को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली AT&T सपोर्ट कर रहा है, वेराइजन को नहीं कर रहा, तो मल्टी कैरियर सपोर्ट भी रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो बहुत सारी चीजों को, ये जो सारे हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी अगर आप कोई कंफर्मेंस टेस्टिंग करा लेते हो डिवाइस के अंदर, तो ये सारी चीजें कवर हो जाती है, क्योंकि उसमें हर तरह का टेस्ट केस आपका एक ही बारी में सब चल जाता है। मे बी अराउंड 1000 टेस्ट केसेस चल रहे हैं, तो आपने एक टाइम पीरियड डिफाइन कर लिया कि 3 महीने के अंदर ये डिवाइस हमें सर्टिफाइड कराना है, तो पूरी उसकी टेस्टिंग होगी, जो भी फेलियर्स आते जा रहे हैं वो पास करे जाएंगे, और हर चीज को अनेबल डिसेबल जो भी आपको चाहिए मार्केट के अंदर, वो सारे फीचर्स आप सारे टेस्ट होते हैं रिगरसली। फील्ड टेस्टिंग भी इसके अंदर होती है, इंटरऑपरेबिलिटी टेस्ट भी होता है, और RF टेस्ट होता है, हार्डवेयर टेस्टिंग, बहुत सारी टेस्टिंग अलग अलग टाइप की कंफर्मेंस टेस्टिंग के अंदर होती है। तो इस तरह से ये इसकी जरूरत है, क्योंकि ये सारा चीज आपको कंफर्मेंस टेस्टिंग के अंदर मतलब इसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर हो जाते हैं अगर आप कंफर्मेंस टेस्टिंग करते हो। तो बिफोर एडिंग न्यू मोबाइल डिवाइसेस टू देयर पोर्टफोलियो, नेटवर्क ऑपरेटर्स विल टिपिकली सब्जेक्ट देम टू ए रिगरस प्रोग्राम ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो जो नेटवर्क ऑपरेटर्स होते हैं उनका एक पूरा प्रोग्राम है, मतलब 3 to 6 months का, कि वो पूरा टेस्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस टेस्ट होती है, उसके बाद इंटरऑपरेबिलिटी टेस्ट होता है, अलग अलग डिवाइसेज, जैसे सैमसंग का डिवाइस ओप्पो के साथ टेस्ट करके देखा, अलग अलग ऑपरेटर्स के साथ टेस्ट होता है, तो इंटरऑपरेबिलिटी भी टेस्ट की जाती है डिफरेंट नेटवर्क के साथ, रोमिंग पार्टनर्स के साथ। तो ये सारी चीजें आपकी कन्फर्मेंस टेस्टिंग के अंदर की जाती है। तो द एश्योरेंस ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी ऑल्सो बिल्ड कॉन्फिडेंस दैट द सर्टिफाइड डिवाइस शुड मीट एंड यूजर्स एक्सपेक्टेशन फॉर सर्विस एक्सेस एंड इंटरेक्शन। तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब आपने सारा कुछ टेस्ट ही कर लिया, अलग अलग ऑपरेटर के साथ, अलग अलग डिवाइस मैन्युफैक्चर के साथ, सारे कॉम्बिनेशन के साथ आपने टेस्ट कर ली, तो डिवाइस जो आपका प्रोडक्ट होगा उसकी आपको जो कॉन्फिडेंस है उसमें बढ़ जाएगा। तो ये कन्फर्मेंस टेस्टिंग जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट करती है, कॉस्टली भी होती है, इसमें काफी पैसा भी लगता है कराने के लिए, इतना आसान नहीं है। सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको काफी लैब्स भी बुक करनी पड़ती हैं, वो आगे आगे हम देखेंगे जैसे जैसे कोर्स आगे चलेगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें कन्फर्मेंस टेस्ट कब परफॉर्म करना होता है और कितने टाइप का कन्फर्मेंस टेस्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये पूरी एक लाइफ साइकिल है प्रोडक्ट की। सबसे पहले जैसे कि प्रोडक्ट डिजाइन आप करते हो, जिसे R&D भी बोलते हैं, जहाँ पे डिजाइन को डीबग किया जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने आर्किटेक्चर डिफाइन करा अपने प्रोडक्ट का, ये भी कोई भी आपका डिवाइस है। फिर उसका आपने कॉल स्टैक डेवलपमेंट, जो उसका प्रोटोकॉल स्टैक है उसको आपने डेवलप किया, और यहाँ पे RF और बेसबैंड डेवलपमेंट, ये आपसे जो भी आपका RF है आपके डिवाइस के अंदर उसका बेसबैंड और उसकी डेवलपमेंट यहाँ पे होती है। फिर यहाँ पे आपने डिजाइन वेरिफिकेशन हुआ, यहाँ पे आपने कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऐड की, उसका इंटीग्रेशन हुआ, फिर उसके अंदर फंक्शनल वेरिफिकेशन, पैरामीट्रिक वेरिफिकेशन, आपने फंक्शनल टेस्ट किए, पैरामीटर जो आपके स्टैक के अंदर है उसको आपने वैलिडेट किया, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्ट हुआ पूरा। उसके बाद जो आता है वो हमारा कन्फर्मेंस टेस्ट आता है। जब आपने सारी फंक्शनल टेस्टिंग कर ली, सब कुछ फीचर्स आपके डिफाइन हो गए, सब कुछ आपने स्टैक के अंदर इंटीग्रेट कर चुके हैं, उसके बाद आप कन्फर्मेंस टेस्ट परफॉर्म करते हो, एंड देन उसके बाद इंटरऑपरेबिलिटी टेस्ट, जिसे हम IoT बोलते हैं, जिसमें अलग अलग वेंडर्स के साथ, अलग 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 ऑपरेटर्स के साथ आपको टेस्टिंग करनी होती है। तो ये जो कन्फर्मेंस टेस्ट है काफी बाद में आता है, जब आप शुरू में R&D करते हो उस समय वहां पे नहीं होता, उसके बाद सिस्टम टेस्ट होता है, उसके बाद आप कन्फर्मेंस टेस्टिंग करते हो। काफी जब स्टेबल हो जाता है आपका जो डिवाइस है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट है, वो जब स्टेबल हो जाता है उसके बाद आपको कन्फर्मेंस टेस्ट आप करते हो। तो
तो ये स्टेज है जहां पे आप कंफर्मेंस टेस्ट करते हो किसी भी डिवाइस के ऊपर। अभी कितने टाइप्स का होता है, अब देखिए जो एक कंफर्मेंस टेस्ट है ये तीन टाइप्स में हो सकता है, या तो आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी टेस्ट जो होते हैं, आरआरएम रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सिग्नलिंग जिसे हम प्रोटोकॉल बोलते हैं, नॉर्मली प्रोटोकॉल टेस्टिंग हम बोलते हैं, तो वहां पे इसको हम रेफर करते हैं। तो ये तीन तरह की टेस्टिंग कंफर्मेंस टेस्टिंग में होती है, तीन टाइप में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, आरएफ आरआरएम एंड प्रोटोकॉल। तो आप खाली कंफर्मेंस टेस्टिंग को खाली प्रोटोकॉल नहीं बोलोगे, उसके अंदर आरएफ और आरआरएम भी इंक्लूड होता है। अब ये मैंने एग्जांपल जो लिया है ये एलटीई का लिया है, जैसे कि ये सारी जितनी 36 सीरीज की जो भी स्पेक्स हैं वो आपकी एलटीई की स्पेक्स होती हैं। तो जो 36.521 है वो आपकी आरएफ कंफर्मेंस टेस्ट केसेस हैं, जो कि कंफर्मेंस का पार्ट है, तो ये आरएफ का पार्ट है। 36.521-2 यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी फॉर आरएफ एंड आरएनएम, मतलब कौन कौन से टेस्ट केस आपके एप्लीकेबल होंगे, जिस हिसाब से आपके फीचर हैं डिवाइस के अंदर उस हिसाब से एप्लीकेबिलिटी चेक होती है। फिर 36.521-3 यहाँ पे आते हैं आपके आरएनएम के कंफर्मेंस टेस्ट केसेस, जो कि आरएनएम फीचर को वैलिडेट करते हैं कि सही से चल रहा है कि नहीं। उसके बाद आती है 36.523, यहाँ पे आते हैं प्रोटोकॉल कंफर्मेंस के टेस्ट केसेस 5। अब यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे 36.523-1 है और यहाँ पे भी स्पेक 523-2 है, लेकिन स्पेक 523 है लेकिन उसके अंदर उसका वर्जन 2 है। तो यहाँ पे क्या है, एप्लीकेबिलिटी फॉर प्रोटोकॉल, मतलब कौन कौन से टेस्ट आपके एप्लीकेबल हैं वो यहाँ पे आप यहाँ से चेक कर सकते हो जिस हिसाब से आपके फीचर हैं। फिर 36.523-3 ये TTCN फॉर प्रोटोकॉल, मतलब जो TTCN आप यूज करोगे प्रोटोकॉल के लिए वो इस स्पेक के अंदर है। तो इस तरह से ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है कंफर्मेंस। अब कभी भी आप इंटरव्यू दो तो आप ये ध्यान में रख के देना कि आप आरएफ का दे रहे हो, आरएनएम का दे रहे हो या प्रोटोकॉल का दे रहे हो, क्योंकि तीनों अलग अलग टीम्स में रहता है और मेनली जो हमारा कोर्स है वो प्रोटोकॉल रिलेटेड है कि आप अपने प्रोटोकॉल को वैलिडेट कर रहे हो, जो आपका प्रोटोकॉल स्टैक है इसमें लेयर्स होती हैं हमारी उनको वैलिडेट कर रहे हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हो और क्या बोल रहे हो। तो कन्फर्मेंस इन तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। सो आई होप आपको इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे कन्फर्मेंस टेस्टिंग के पिलर्स। अब देखिए जो कन्फर्मेंस टेस्टिंग है उसके अंदर कौन कौन से पिलर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, आप उन पे फोकस जरूर करिएगा क्योंकि वही आपको इंटरव्यू में भी अगर पूछा जाता है तो उसी टाइप से आपको आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये तीन कन्फर्मेंस टेस्टिंग के पिलर्स हैं। सबसे पहला टेस्ट स्पेसिफिकेशन, टेस्ट स्पेक्स इसे भी बोल सकते हैं आप। तो कौन से टाइप की आपको स्पेसिफिकेशन फॉलो करनी है, 2G की, 3G की, 4G की, 5G की, IMS की, वोल्टे की, RF की, अलग अलग टाइप की स्पेसिफिकेशंस आप होती हैं जो जो आपको फॉलो करनी होती हैं, जो भी आपके डिवाइस के ऊपर चलनी है। कौन से बैंड्स पे टेस्टिंग होनी है, अब देखिए हर एक कंट्री के अंदर अलग अलग टाइप के बैंड्स होते हैं, तो जिस कंट्री के लिए आपका डिवाइस सुटेबल है या आप लॉन्च कर रहे हो वहां के बैंड्स की टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है, तो बैंड्स का इन्वॉल्वमेंट होना इसमें रहता है। फिर आपको जैसे जैसे रिलीज आती है टेस्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर उसमें नए नए एडिशंस होते हैं, तो उसके नए टेस्ट केसेस आपको दोबारा से चलाने पड़ते हैं कि जैसे एक वर्जन है सपोज वो वर्जन अगर अपग्रेड हो जाता है तो जो भी डेल्टा होता है वो आपको चलाना होता है कि भैया ये नए टेस्ट केस ऐड हुए हैं ये मेरे को चला के देखने पड़ेंगे कि हमारा फीचर डिवाइस सपोर्ट करता है कि नहीं। तो पहला पिलर है टेस्ट स्पेक्स। दूसरा है टेस्ट प्लेटफॉर्म। अब देखिए अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग कंपनीज के प्लेटफॉर्म हैं जो कि अलग अलग फीचर्स को टेस्ट करते हैं, जैसे कि आरएफ हो सकता है, प्रोटोकॉल हो सकता है, आरएनएम हो सकता है। जो कन्फर्मेंस टेस्टिंग है उसके अंदर खाली प्रोटोकॉल टेस्ट नहीं होता, आरएफ भी टेस्ट होता है, आरआरएम भी टेस्ट होता है। तो अलग अलग ये जो फीचर्स हैं इनकी अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो जो टेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे CMW500 हो गया, या एस्पायरेंट का एक प्लेटफॉर्म है, कीसाइट का प्लेटफॉर्म है, वो टेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके अंदर ये जो अप्रूव टेस्ट सिस्टम्स हैं, अब देखिए ये जो टेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं ये भी अप्रूव किए जाते हैं, जैसे कि GCF है, PTCR भी है। अगर आपका जो टेस्ट प्लेटफॉर्म है उसमें GCF टेस्ट करने की कैपेबिलिटीज हैं, वो सारे टेस्ट केस अप्रूव्ड है, तो ही आप उसको यूज कर सकते हो। तो अप्रूवल टेस्ट प्लेटफॉर्म्स का भी होता है।
अब इनको स्टैंडर्ड को मीट करना होता है, जो भी 3GPP की रिलीज आती है, ये सारे 3GPP कंप्लायंट है। जितने भी टेस्ट प्लेटफॉर्म है पूरा 3GPP के हिसाब से ही ये टेस्ट केस डिजाइन करते हैं, ताकि जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो सके। अब इसके अंदर क्या है, जब भी कोई टेस्ट प्लेटफॉर्म अप्रूव होता है तो उसमें 80% टेस्ट केस वैलिडेट हो जाने चाहिए, तभी वो अप्रूव हो सकता है। सपोज GCF सर्टिफिकेट करने के लिए आपको 1000 टेस्ट केस चलाने हैं, तो 800 टेस्ट केस किसी, जब तक उस प्लेटफॉर्म पे आप सारे नहीं चला सकते तब तक वो अप्रूव नहीं होगा वो टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसकी परसेंटेज 80% होना चाहिए मिनिमम। फिर तीसरी आती है लैब एक्रेडिटेशन। अब इसमें क्या है, जो लैब्स हैं, अब आप ऐसा नहीं है कि आपने सपोज हुआवे का फोन है, सैमसंग का फोन है, एप्पल का फोन है, उन्होंने अपनी लैब में ये टेस्ट प्लेटफॉर्म खरीद ली है, टेस्ट स्पेक भी फॉलो कर ली और खुद ही से सारे टेस्ट केस पास कर दिए और बोल रहे हैं कि अब हम लॉन्च करेंगे यूरोप में। ऐसा लॉन्च नहीं हो सकता। लैब एक्रीडिएशन का क्या है, कुछ लैब्स अलोकेट की गई हैं, ये ग्लोबली अवेलेबल हैं लैब्स। यहाँ पे क्या होता है, इन लैब्स को एक तो ये सर्टिफाइड होनी चाहिए, ISO सर्टिफाइड 17025, ये थर्ड पार्टी लैब्स हैं। अब इसके अंदर जो वैलिडेटेड टीपीज हैं, टीपीज मतलब टेस्ट प्लेटफॉर्म, ये जो हमारे यहाँ पे टेस्ट प्लेटफॉर्म जो वैलिडेटेड है 80% सपोज अप्रूव हो गया है, वो इन लैब्स के अंदर होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ऑडिट भी होता है, जो एक्सटर्नल है वो ऑडिट करते हैं इन लैब्स को। तो एक थर्ड पार्टी लैब्स हैं ये, जहां पे आपको अपना डिवाइस भेजना पड़ता है, ये सारा जो टेस्ट केस है वो उन उस लैब में पास होने चाहिए। ऐसा नहीं है आपने इंटरनली पास कर लिए और बोल दिया कि अब मुझे लॉन्च कर दूंगा, आप नहीं कर पाओगे। ये जो लैब्स हैं थर्ड पार्टी लैब्स हैं, और आपको यहाँ पे सारे टेस्ट केस आपको चलाने होंगे, सारे पास कराने होंगे, तब जाके आपको GCF या PTCR भी, जो कि कंफर्मेंस टेस्टिंग का सर्टिफिकेशन है, वो आपको मिलेगा। तो लैब एक्रीडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन पिलर्स हैं जिसके ऊपर कंफर्मेंस टेस्टिंग आपकी होती है। कोई भी डिवाइस है, अगर आप कंफर्मेंस कराना चाहते हो टेस्टिंग, तो टेस्ट स्पेक्स, टेस्ट प्लेटफॉर्म और लैब एक्रीडिएशन। आपको लैब बुक करनी पड़ती है, उसके स्लॉट्स होते हैं, उसके भी चार्जेस होते हैं। GCF सर्टिफिकेट होगा, उसके भी चार्जेस होंगे, तो काफी कॉस्टली सर्टिफिकेशन होता है, लेकिन वन टाइम है ये। आपने अगर ये करा लिया तो आप ग्लोबली अपने डिवाइस को लॉन्च कर सकते हो। अब जैसे कि टेस्ट स्पेक्स में 2G, 3G, 4G, 5G की अलग अलग स्पेक्स हैं, तो 51 सीरीज जो है वो 2G की है, 34 जो है वो 3G की है, 34.123, 121, 121-3, 4G की 36 सीरीज है, 523, 521, और 5G की 38.523-1। तो ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है, लेटर हम कोर्स के अंदर देखेंगे कि इनमें कौन कौन से टाइप के टेस्ट केसेज होते हैं हर स्पेक के अंदर। तो ये 2G, 3G, 4G, 5G की स्पेक्स हैं जो कि एग्जीक्यूट होती है। अब इसके अंदर टेस्ट केसेस होते हैं जो 3GPP ने बनाए हुए हैं, वो टेस्ट केसेस आपके टेस्ट प्लेटफॉर्म के अंदर सारे स्क्रिप्ट के फॉर्म में डेवलप होते हैं, जो आपको परचेज करने पड़ते हैं स्क्रिप्ट वेंडर से, जो टेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे आपको वो लेने पड़ते हैं, और आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो इंटरनली भी, और जो आपकी लैब्स हैं थर्ड पार्टी वहां पे भी वो होते हैं। सेम ही टेस्ट केस होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता, चाहे आप उसे इंटरनल चलाओ चाहे एक्सटर्नल चलाओ, लेकिन आपको एक्सटर्नल में पास कराने होते हैं जितने भी टेस्ट केसेस इसमें एग्जीक्यूट होंगे। दूसरा क्या है, टेस्ट प्लेटफॉर्म। अब देखिए कुछ कंपनीज हैं जिनके टेस्ट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कॉम्प्रहेन है, कीसेट है, स्पायरेंट है, एनरिच्सो है, RNS है, तो बहुत सारी ये कंपनीज हैं जिनके टेस्ट प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इनके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे TS8950, CRTUG, CRTUW, एनरिच्सो के हैं, एनआईट के हैं, कॉम्प्रहेन IT3 होता है, एक एजिलेंट का GS8801 है। तो अलग अलग जो कन्फर्मेंस टेस्ट सिस्टम है, ये इन्हीं कंपनीज के उनके नाम होते हैं जिस पे आपको टेस्ट केसेस चलाने होते हैं। तो ये टेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो पहला हमने देखा टेस्ट स्पेक्स, दूसरा है टेस्ट प्लेटफॉर्म, और तीसरा है हमारा कन्फर्मेंस टेस्टिंग लैब एग्रीडिएशन। अब कुछ लैब्स हैं ग्लोबली जहां पे आपको ये टेस्टिंग करानी होती है। अब जैसे 7 लेयर्स है, USA के अंदर है, 7 लेयर चाइना में भी है, जर्मनी में भी है, फिर एक BTL है चाइना में है, ये एक BV करके होती है, ब्यूरो वेरिटस, सिटीकॉम है चाइना, मोबाइल ग्रुप डिवाइसेस है चाइना के अंदर, सिस्को की है USA के अंदर, CTTL है चाइना के अंदर, शेंजन में एक डेकरा करके है, तो इनमें भी जॉब्स निकलती हैं।
मतलब आप देखिए कितना स्कोप बढ़ जाता है अगर आप ये कोर्स करते हैं तो। इन कंपनीज में भी जो सिमुलेटर को एग्जीक्यूट करते हैं वहां पे भी जॉब्स निकलती हैं, उसको मैनेज करना, प्रोजेक्ट को मैनेज करना, टेस्ट प्लान डेवलप करना, बहुत सारे काम इसके अंदर होते हैं। तो ये हमारी लैब्स हैं जहाँ पे आपको अपना डिवाइस भेजना पड़ता है, जिसका भी आपको सर्टिफिकेशन करना है अगर आप यूरोप और यूएस में लॉन्च करते हो। तो काफी स्कोप है, जब आप LTE 5G पढ़ लेते हो, प्रोटोकॉल टेस्टिंग कर लेते हो, कन्फर्मेंस टेस्टिंग कर लेते हो, GCAP PTCRP सर्टिफिकेशन आपको पता चल जाता है, तो स्कोप आपका काफी वाइड हो जाता है, तो जो कि आपको काफी हेल्प करेगा आपके करियर के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर नई चीज डिस्कस करूंगा। आई होप आपको कोर्स अच्छा लग रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी 4G और 5G की कन्फर्मेंस टेस्टिंग हम करते हैं उसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें फॉलो किया जाता है तभी आप कन्फर्मेंस टेस्टिंग कर सकते हो। तो वो कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। अब देखिए, ये जो 4G और 5G की कन्फर्मेंस टेस्टिंग होती है इसके अंदर तीन अलग अलग स्टैंडर्ड्स हम यूज करते हैं। एक तो 3GPP है, ये ज्यादातर सबको पता ही होगा। इसके अंदर जितनी भी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, चाहे वो कोर नेटवर्क की हो, चाहे प्रोटोकॉल स्टैक की हो, UESID, डीनोड बी साइड, सारी जो स्पेसिफिकेशन का काम है वो 3GPP का है, वही डेवलप करता है। उसके बेसिस पे सारी कंपनी उसको यूज करती हैं और अपने अपने प्रोडक्ट डेवलप करती हैं। तो एक तो हो गया हमारा 3GPP, दूसरा है हमारा ITSI। अब ITSI जो है वो जितनी भी TTCN स्क्रिप्टिंग है, जो इस कोर्स का पार्ट भी है, वो सारा जो टेक केयर है, जो कन्फर्मेंस टेस्ट केसेस होते हैं उसको जो डेवलप करते हैं वो TTCN स्क्रिप्ट्स के फॉर्म में, और इसके अंदर ATS इम्प्लीमेंटेशन होता है, एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट सूट इम्प्लीमेंटेशन। तो वो सारा जो टेक केयर है वो ITSI करता है। और तीसरा है हमारा GCAP PTCRP। तो ये तीन मेन स्टैंडर्ड्स हैं जो आप यूज करते हो जब आप कन्फर्मेंस टेस्टिंग करते हो। GCAP और PTCRP पूरा डिटेल में कवर है इस कोर्स के अंदर, आपको वीडियोस मिल जाएंगे जैसे जैसे आप देखेंगे आगे इस कोर्स को। तो इस ये तीन हमारी मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है जिनको फॉलो किया जाता है, जिनकी स्पेक्स रेफर किए जाते हैं, सूट्स TTCN के सूट्स स्क्रिप्ट्स वो डेवलप किए जाते हैं, वो पूरा मेंटेन का काम ITSI का है। और GCAP PTCRP इन दोनों स्टैंडर्ड को यूज करता है जब कोई सर्टिफिकेट रिलीज करते हैं। तो GCAP PTCRP बैकग्राउंड में 3GPP और ITSI को ही यूज करके वो सर्टिफाइड कराएगा, क्योंकि जो टेस्ट केसेस हैं, जो ये वैलिडेशन ऑफ टेस्ट केसेस यहाँ पे बोल रहे हैं जो सिमुलेटर की हेल्प से होते हैं, वो जो सारे टेस्ट केसेस हैं वो 3GPP के टेस्ट केसेस हैं। तो बैकग्राउंड में ये इन दोनों जो स्टैंडर्ड हैं उनको यूज करके आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, जो GCAP और PTCRP सर्टिफिकेशन है, और ये मेनली कंफर्मेंस टेस्टिंग में ही होता है। अब ये जो GCAP PTCRP है, ये जो है मतलब एग्जाम्पल के लिए दिखा रखा है, ये 3GPP से सारे टेस्ट केस डिफाइन करते हैं। तो जोन जोन से टेक्नोलॉजी आपकी सपोर्ट करती है, 2G 3G 4G 5G, उसके बेसिस पे टेस्ट केस जनरेट होते हैं। कौन कौन से फीचर्स आपके डिवाइस में सपोर्ट है वो आपको निकालना होता है, उसके बेसिस पे टेस्ट केस निकलते हैं, जो कि 3GPP कोर स्पेसिफिकेशन और टेस्ट स्पेसिफिकेशन को फॉलो किया जाता है। तो जो GCAP और PTCRP उन दोनों के लिए सेम स्पेसिफिकेशन यूज होती है, ये वाली जो स्पेसिफिकेशन है ये सेम यूज होती है, तो दोनों ही यूज करते हैं। तो इस तरह से GCAP PTCRP बैकग्राउंड में 3GPP का यूज करके ये सारी स्पेसिफिकेशन आप उसकी हेल्प से टेस्ट करते हो, और जो स्पेसिफिकेशन के टेस्ट केसेस हैं वो जो डेवलप करता है वो ITSI करता है, ETSI। तो इस तरह से ये मेन ऑर्गेनाइजेशन है। अब 3GPP क्या है, एक ग्लोबल एक तरह से पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मतलब अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनके जो जो पार्टनर्स हैं वो मिलके बनाते हैं 3GPP को। तो इसके अंदर ये 7 पार्टनर्स हैं अलग अलग कंट्रीज के जो मिलके, जिनको ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स भी बोलते हैं। तो ये रिपोर्ट्स स्पेसिफिकेशन जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है 3GPP के अंडर, ये सारे मिलके काम करके उसको एक स्टैंडर्ड का फॉर्म देते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर हो गए या चिपसेट वेंडर हो गए या ऑपरेटर्स हो गए, सब इसी को यूज करके अपना काम करते हैं। तो इसके अंदर कुछ मार्केट रिप्रेजेंटेशन पार्टनर्स होते हैं जो कि 3GPP को फॉलो करते हैं और उसको आगे प्रमोट करते हैं। ये तो हो गए ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर जो इसको डेवलप करते हैं, जो रिपोर्ट्स स्पेसिफिकेशन बनाने में हेल्प करते हैं। एक हो गए उसको आगे और मार्केट में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके मेंबर बन जाते हैं। तो जैसे 5G AA हो गया, COAI हो गया, NGMN, आपने सुने भी होंगे नाम, तो
टेलीकॉम के अंदर ये नाम यूज होते हैं, जीसीएफ हो गया, तो ये सारे जो हैं ये इसके मार्केट रिप्रेजेंटेशन पार्टनर है 3GPP के। अब 3GPP भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक है 3GPP और एक है 3GPP 2। तो 3GPP तो अपना वही हो गया, 2G, 3G, 4G, 5G, ये सारी जो चेन है वो 3GPP चलाती है। एक आपने पहले सुना होगा CDMA करके, CDMA 1, CDMA 2000, तो अब ये धीरे धीरे खत्म ही हो गया है। तो ये 3GPP 2 चलाता था, तो इसमें इसके ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स इसमें 5 थे और इसमें 7 है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगर आपसे कोई 3GPP 2 पूछे तो आपको ये बताना है कि ये जो CDMA वाली चेन है, CDMA 2000 वाली, ये 3GPP 2 मेंटेन करती थी, और जो इधर है 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, ये सारा जो टेक केयर है वो 3GPP करता है। अब ये जो 3GPPS के अंदर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ग्रुप्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, जैसे कोई रैन साइड पे काम करेगा, कोई कोड नेटवर्किंग पे करेगा, कोई सर्विस एंड सिस्टम एस्पेक्ट्स पे काम करेगा, तो इनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ग्रुप्स होते हैं TSG। तो TSG रैन, ये TSG CT, और ये TSG SA। तो इस तरह से इसके अंदर भी फर्दर डिवीजन होता है कि वर्क ग्रुप 1, वर्क ग्रुप 2, WG3, ऐसे इसके अंदर CT, WG1, WG3। तो अलग अलग मॉड्यूल्स के ऊपर इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि कौन सा वर्क ग्रुप किसके ऊपर काम करेगा, ये पूरा सब कुछ डिफाइंड है। तो इस तरह से जो 3GPP की स्पेसिफिकेशंस हैं या जो भी रिपोर्ट जनरेट होती हैं वो डिवाइड होती हैं कि कौन से डोमेन के अंदर कौन सा बंदा काम करेगा, सब कुछ वेल डिफाइंड है। कोड नेटवर्क पे कौन करेगा, यू साइड पे कौन करेगा, ई नोट बी में कौन करेगा, कौन कौन से मॉड्यूल पे क्या काम रहेगा, तो हर चीज पूरी डिफाइन है। तो ये 3GPP का TSG का स्ट्रक्चर है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ग्रुप। अब जो ये 3GPP है, ये बहुत सारे और जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो ग्लोबली फॉलो किए जाते हैं उन सबको, सब उसे रेफर करते हैं 3GPP को। तो जैसे ITF हो गया, OMA हो गया, मार्केट पार्टनर, GCF, ये सारी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स हैं, IEEE, Wi-Fi Alliance, WiMAX, ये भी जो हमारा VoWiFi है वो इसके थ्रू, क्रॉस रेफरेंस के थ्रू हम वाईफाई को यूज करते हैं, तो ये आपस में लिंक रहते हैं, ITU, ROT। तो एक तरह से पूरा 3GPP ने इकोसिस्टम बना रखा है, जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं वो 3GPP को फॉलो करके वैलिडेट किए जाते हैं। तो इस टाइप से 3GPP का एक स्टैंडर्ड है। अब ITSI, ITSI क्या है? ITSI यूरोप के अंदर, ये अब मैं आपको ये भी दिखा दूं, जो ITSI है वो आपका इसका पार्ट भी है, जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स है 3GPP के अंदर उसमें ITSI इनका ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स भी है, और ITSI जो है वो TTCN में बहुत ज्यादा काम करता है, तो उसका एक अपना एक रोल भी है और बहुत सारी स्पेसिफिकेशन भी बनाता है। तो जो ITSI है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा यूरोप को टेक केयर करता है, वहाँ के जो स्टैंडर्ड्स हैं टेलीकम्युनिकेशन के, ब्रॉडकास्टिंग के, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के, नेटवर्क एंड सर्विसेज, वो सारे टेक केयर करता है, पूरे यूरोप के जो हैं वो टेक केयर करता है। तो इस तरह से हम इसका वीडियो आप एक बार देखते हैं कि क्या है ITSI। Living in a deeply connected world. Technology standards are the drivers for innovation and faster time to market for new products and services. And they're the building blocks for improved security and seamless interoperability. At ITSI, we produce standards that are used worldwide across all industries that use information and communication technologies. Established in 1988 and located on the French Riviera, ITSI is fully independent and one of three bodies officially recognized as a European standards organization. We provide the platform where people collaborate to design tomorrow's world. We're at the forefront of emerging technologies, creating standards for 5G, the Internet of Things, artificial intelligence, cyber security, blockchain, connected cars, satellite communications. These are just some of the areas where ITSI is driving digital transformation. With more than 900 member organizations drawn from 65 countries in 5 continents, ITSI has a unique global outreach. We're a collaborative community where global industry leaders and small startups all have their voice.
Our diverse membership welcomes private companies, research bodies, and academia, alongside government and public organizations. Dynamic and responsive to industry trends, ETSI provides a framework where innovation flourishes, supporting the creation of standards, plus the compliance tools for testing and interoperability. Our internationally recognized standards are freely available to all in support of EU regulatory requirements and policy. ETSI's membership is directly supported through the work of 90 technical groups and by our team of high-level technical experts from multiple nationalities. Our standards-making activities are complemented by workshops, conferences, and interoperability test events. Organized worldwide, these are recognized as valuable opportunities for networking and information exchange. ETSI is the place where people, ideas, and innovation come together to realize the full opportunities of today's competitive and fast-moving digital ecosystem. Are you ready to join us? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ETSI किस तरह से काम कर रहा है। तो यही सारे स्टैंडर्ड्स अगर आप टाइम टू टाइम रेफर करते रहते हो, इनसे अप टू डेट रहते हो, तो आपको जो कन्फर्मेंस टेस्टिंग है उसको करने में आपको काफी हेल्प मिलती है और आप अप टू डेट भी रहते हो, क्योंकि जो जो नए नए फीचर्स आते हैं वो यही लोग डेवलप करते हैं, जो नए टेस्ट केसेस बनते हैं यही लोग 3GPP जो है और ETSI यही आपस में मिलके ये सब काम करते हैं और डेवलप करते हैं। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है तीन जो मेनली यूज होती हैं, जैसे 3GPP एक अलग स्टैंडर्ड हो गया, ETSI उसी का पार्ट है लेकिन इसका अपना भी एक बहुत बड़ा रोल है, और एक GCA PTCR भी स्टैंडर्ड। तो मेनली ये मिलके आपको कन्फर्मेंस टेस्टिंग का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, जिससे कि आप अपने प्रोटोकॉल टेस्टिंग या डेवलपमेंट करते हो। ETSI के अगर आप उसकी साइट पर जाते हो इस टाइप से, आपको फ्रीली 3GPP हो चाहे ETSI हो, सारे डॉक्यूमेंट्स फ्रीली अवेलेबल हैं। किसी भी लेयर का पढ़ना है आपको, कोई भी यूज केसेस के बारे में समझना है, या 5G LTE, सबके डॉक्यूमेंट्स फ्रीली अवेलेबल है, तो उसका कोई चार्ज नहीं है। ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आप कितना उसे एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो इस वीडियो के अंदर हमने सारे स्टैंडर्ड डिस्कस करे जो कन्फर्मेंस टेस्टिंग में यूज होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो ये वाला टॉपिक आप थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि ये पूरा टेस्ट स्पेसिफिकेशन से ऊपर है और कैसे टेस्ट स्कोप डिफाइन होता है उससे रिलेटेड है, जो कन्फर्मेंस टेस्टिंग है LTE और 5G की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये मैंने सबसे पहले LTE कन्फर्मेंस टेस्ट स्पेसिफिकेशन लिया है। ये कुछ स्पेसिफिकेशन है जो यूज होती है कन्फर्मेंस टेस्टिंग के अंदर, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि RF, RRM और प्रोटोकॉल रिलेटेड तीन टाइप के टेस्ट होते हैं कन्फर्मेंस के अंदर, जिसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो 36.5:1, 5:3, इसी के अंदर नॉर्मली RF, RRM और प्रोटोकॉल कवर हो जाता है। तो हमारा जो कोर्स है वो प्रोटोकॉल रिलेटेड है, तो ये तीन स्पेसिफिकेशन 36.5:3-1-2-3, ये तीन स्पेसिफिकेशन हम देखेंगे कि इसके अंदर किस टाइप की चीजें होती हैं। तो ये आज हमारा LTE कन्फर्मेंस की टेस्ट स्पेसिफिकेशन पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो 36.5:3 स्पेक है, नॉर्मली सब लोग बोलते हैं कि 36.5:3 रेफर कर लो अगर आपको कन्फर्मेंस टेस्टिंग करनी है LTE की। तो लेकिन ये जो स्पेक है तीन स्पेक्स के अंदर डिवाइड है, तो जैसे कि 36.5:3-1, 2 और 3, यहाँ पे भी लिखा हुआ है -1, 2 और 3, ये तीन स्पेसिफिकेशन है जिसको मिला के आप कन्फर्मेंस टेस्टिंग करते हो। इनको सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे। तो जो 36.5:3-1 है, ये प्रोटोकॉल कन्फर्मेंस स्पेसिफिकेशन है जिसके अंदर आपको टेस्ट केसेस मिलेंगे। मतलब अगर आप इसे डाउनलोड करके देखोगे, सारे टेस्ट केसेस जितने भी 3GPP के अंदर डिफाइन है प्रोटोकॉल कन्फर्मेंस के, वो सारे आपको इसके अंदर मिलेंगे। दूसरी स्पेसिफिकेशन है 36.5:3-2। अब इसके अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से टेस्ट केस एप्लीकेबल हैं, तो कौन से फीचर सपोर्ट करता है। इसकी बेसिस पे एक पिक्स पिक्सिट करके दो चीज होती हैं इसके अंदर, पिक्स और पिक्सिट, वो अभी हम देखेंगे। उसकी हेल्प से आपको ये पता चल जाता है कि भैया कौन से टेस्ट केस मेरे टेस्ट प्लान के अंदर जनरेट होंगे। तो ये जो 36.5:3-2 है, ये टेस्ट प्लान कैसे जनरेट होएगा इसके बेसिस पे होता है, और इसके बेसिस पे फीचर यस और नो होते हैं जिसकी हेल्प से टेस्ट केसेस ऐड होते हैं किसी टेस्ट प्लान के अंदर।
टेस्ट केसेस आपको पहले में मिल जाएंगे, दूसरे से पता चलता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टेस्ट केसेस, और तीसरे से हमें पता चलता है ये जो है हमारे टेस्ट सूट्स, जो हमारा टीटीसीएन का टेस्ट सूट्स है, टीटीसीएन जो स्क्रिप्ट है वो कैसे टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करती है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें थ्री से मिलती है। तो ये तीन स्पेसिफिकेशन आपको तीनों डाउनलोड करो और आप तीनों को देखो, रेफर करो, तब आपको एक्चुअल कन्फर्मेंस टेस्टिंग समझ आएगी। नॉर्मली ज्यादातर लोगों को वन ही पता होता है और वो बोलते हैं 36.523, वन को रेफर करते हैं, उसमें टेस्ट केसेस मिल जाते हैं, लेकिन उन टेस्ट केसेस की एप्लीकेबिलिटी कैसे चेक होनी है, फिर उन टेस्ट केसेस को टीटीसीएन कैसे एग्जीक्यूट करता है, वो सारी आपको इन तीनों को मिला के ही एक आपको समझ आएगी। तो ये तीनों आपको हमेशा ध्यान में रखनी है जब भी आप एलटीए की कन्फर्मेंस टेस्टिंग करते हो। अब सबसे पहली है 36.523-1, तो ये जो है हमारी प्रोटोकॉल कन्फर्मेंस स्पेसिफिकेशन है, इसके अंदर आपको टेस्ट केसेस मिलेंगे। तो 36.523-1, अब टेस्ट केसेस कैसे मिलेंगे, जैसे कि ये इन्होंने टाइटल्स दिए हुए हैं, जैसे अगर आप सेक्शन 6 पे जाओगे तो वहाँ पे आइडल मोड ऑपरेशन के टेस्ट केस मिलेंगे, 7 पे जाओगे लेयर 2 के तो लेयर 2 में मैक आरएलसी पीडीसीपी आ गई, 8 पे जाओगे तो आरआरसी के टेस्ट केस मिलेंगे, 9 पे जाओगे तो ये नैस के स्टार्ट हो जाएंगे, 9 और 10 नैस के हो जाएंगे, 11 पे आपको एसएमएस ओवर एसजी मिल जाएगा, 12 पे यूट्रा रेडियो बेयर टेस्ट। तो इस तरह से इस स्पेसिफिकेशन के अंदर आपको टेस्ट केसेस मिलेंगे जो आपके एग्जीक्यूट होते हैं, जो आपके फीचर सपोर्ट करता है। जैसे आपका डिवाइस खाली 2G 3G 4G 5G में से खाली 5G सपोर्ट कर LTE सपोर्ट करता है सपोज, तो आपको खाली LTE के टेस्ट केस ऐड करने हैं, 2G 3G और 5G के टेस्ट केस नहीं ऐड होंगे आपके टेस्ट प्लान के अंदर। तो उसके हिसाब से ही आपको टेस्ट केसेस निकालने हैं, तो जो जो से फीचर आपको सपोर्ट करता है। अब मान लो आपका डिवाइस LTE सपोर्ट करता है लेकिन CSFB भी सपोर्ट नहीं करता सपोज, तो आपको CSFB के टेस्ट केस ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से फीचर वाइज SRVC सपोर्ट करता है कि नहीं, CA सपोर्ट करता है, CA के कौन से कॉम्बिनेशन सपोर्ट करता है, तो उस टाइप से जैसे जैसे आपका इसके अंदर एक पिक्स और पिक्सिट की जो भी कंपनीज ये करती हैं उनके पास एक शीट होती है जिसके अंदर सारे फीचर्स अनेबल और डिसेबल आपको दिख जाते हैं कि कौन सा फीचर अनेबल है, कौन सा फीचर डिसेबल है, उसकी हेल्प से आपके टेस्ट केस डिफाइन होते हैं। तो नॉर्मली जो ये टेस्ट लैब्स होती हैं ये जनरेट करते हैं टेस्ट प्लान, आप इनको पिक्स पिक्सिट भेज दो और ये आपको जनरेट करके दे देते हैं। आप खुद भी कर सकते हो लेकिन उसमें टाइम लगता है, इनके पास प्रॉपर टूल्स वगैरह सब कुछ होते हैं, तो ये जनरेट करके आपको टेस्ट प्लान बना के दे देते हैं कि इन फीचर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ये इतने टेस्ट केसेस हैं कन्फर्मेंस के जो आपको एग्जीक्यूट करने हैं। तो ये वो है। अब उसके बाद जैसे कि और जैसे कि इस अब ये 6 सेक्शन है आइडल मोड ऑपरेशन का, तो इसके अंदर 6.1.2.2 अब ये एक टेस्ट केस है जो कि सेल सिलेक्शन का है, 6.1.2.4 सेल रीसिलेक्शन का है, फिर है इंटर रेड सेल रीसिलेक्शन 6.2.3.1, ये टेस्ट केस नंबर है। आप इसको 36.523 को डाउनलोड कर लो, -1 को, सारे ही आपको दिख जाएंगे कि क्या क्या इस टेस्ट केस के अंदर है, क्या क्या मांग रहा है आपसे, वो सारी चीज आपको पता चल जाएगी। तो अगर आपको ये आइडिया है ओवरऑल कि कौन से सेक्शन के अंदर कौन सा टेस्ट केस चलता है, जो भी आपका स्ट्रांग हो वहां से आप एक एक दो दो इसके अंदर से आप टेस्ट केस निकाल लो और उसको समझ लो, और वो आप इंटरव्यू में भी बोल सकते हो कि इस टाइप के टेस्ट केस होते हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको इससे मिल जाएगा और आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे जो भी आपको इंटरव्यू ले रहा है। तो ये 7 सीरीज के अंदर जैसे रैंडम एक्सेस प्रोसीजर सक्सेसफुल होता है तो उसके लिए ये टेस्ट केस है, फिर ये RRC का है पेजिंग फॉर कनेक्शन इन आइडल मोड, यहाँ पे BCCH मॉडिफिकेशन इन कनेक्टेड मोड, RRC कनेक्शन रिकॉन्फिगरेशन। तो ये सारे अब ये जो 9 सीरीज है, 9 सीरीज मैंने आपको बताई थी ये NAS की है, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन नॉट एक्सेप्टेड बाय द नेटवर्क, गुटी यूज्ड, तो ये आपका गुटी आ गया, तो ये NAS लेयर का आ गया आपका। तो इस टाइप से टेस्ट केसेस होते हैं 36.523-1 के अंदर प्रोटोकॉल कन्फर्मेंस के। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि नॉर्मली अगर आपको ये सब पता है तो आप खुद ही रेफर कर सकते हो, जब भी आप डीबगिंग कर सकते हो, सारे काम आप खुद कर सकते हैं अगर ये सब आपको स्पेक्स रेफर करनी आती हैं। तो यही सारे टेस्ट केसेस आपको इन ये जो सिमुलेटर है इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, इस टाइप से लिखा होगा 6.2.1, आगे मैं दिखाऊंगा अभी किस टाइप से दिखता भी है, तो ये 6.1.2.2 इस टाइप से दिखा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहां से एग्जीक्यूट कर सकते हो। दूसरी हमारी स्पेक है 36.523-2, अब इससे आपको पता चलता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोटोकॉल के, कौन कौन से टेस्ट केसेस आपके एप्लीकेबल है प्रोटोकॉल के, तो इससे आप निकाल सकते हो।
अब इसके अंदर अब आप जाओगे तो इस तरह से टेस्ट केस आपको लिखे हुए मिलेंगे। ये उसका टाइटल है, कौन सी रिलीज का टेस्ट केस है। अब इसके अंदर आपको कुछ ये एप्लीकेबिलिटी कंडीशन मिलेगी, जैसे आर सी। इसका क्या मतलब है, अगर आर लिखा हुआ है इस स्पेक के अंदर, आर लिखा हुआ है इसका मतलब ये रिकमेंडेड टेस्ट केस है, ये चलना ही चलना है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको चलाना ही चलाना पड़ेगा। ओ अगर लिखा हुआ है तो ऑप्शनल है, आप चलाना चाहो ठीक है, नहीं चलाना चाहो तो इससे आपको सर्टिफिकेशन पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है एनए नॉट एप्लीकेबल, ये टेस्ट केस अभी आपका एनए है। फिर एक कंडीशनल के कुछ रिक्वायरमेंट्स कंडीशंस हैं, अगर वो फुलफिल होते हैं तभी ये टेस्ट केस एप्लीकेबल होगा। तो ये सीआई, जैसे कि C142, तो आप C142 जाके कंडीशन देखोगे कि वो कंडीशन क्या है, अगर वो फुलफिल हो रही है तभी ये टेस्ट केस एप्लीकेबल होगा। आर मतलब रिकमेंडेड, ये जितने भी आर हैं सारे रिकमेंडेड है। सी मतलब आपको 224C पे जाना पड़ेगा, जो कंडीशन है उसके हिसाब से आपको टेस्ट केस एनेबल करना पड़ेगा। तो ये इसका कमेंट है, अगर यू आपका ई यूट्रा सपोर्ट करता है टेस्ट केस चलेगा, यू सपोर्टिंग ई यूट्रा FDDTDD तो ये टेस्ट केस चलेगा। इस हिसाब से आपको ये शीट के अंदर पूरी एप्लीकेबिलिटी पता चल जाएगी। और इसके अंदर आपको फिर पिक्स मिलती हैं कि अगर ये PCEFDD आपके डिवाइस में येस है तभी ये टेस्ट केस एप्लीकेबल है, अगर नो होगा तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे TDD, तो FDDTDD की पिक्स होती है, वो आपको जो भी आपकी एक्सेल शीट होगी उससे पता चल जाएगी कि इस डिवाइस के अंदर येस है नो है, अगर ये येस होगी तभी ये टेस्ट केस एप्लीकेबल होगा। तो इस टाइप से ये पूरा आपको पता चल जाता है इस स्पेसिफिकेशन से कि आपके कौन कौन से टेस्ट केसेस एप्लीकेबल हैं। तो इसमें दो चीज होती है, पिक्स और पिक्सिट। तो पिक्स के फुल फॉर्म है प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन कंफर्मेंस स्टेटमेंट। ये आपको बताता है कि एन ICS फॉर एन इम्प्लीमेंटेशन और सिस्टम क्लेम टू कंफर्म टू ए गिवन प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशन, मतलब ये इस स्पेसिफिकेशन के अंदर ये जो पिक्स है ये आपकी कंफर्म करनी है आपको कि ये सही चल रही है या गलत चल रही है। अगर सही चल रही है तो आपका टेस्ट केस पास है, तो ये पिक से पता चलता है। प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन कंफर्मेंस स्टेटमेंट, जो प्रोटोकॉल की इम्प्लीमेंटेशन है उसको कंफर्म करता है। दूसरा है हमारा पिक्सिट, तो प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर टेस्टिंग, मतलब जब आप टेस्ट कर रहे हो तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही आपको दे देता है। एंड एक्सेप्ट रिलेटेड टू टेस्टिंग फॉर कंफर्मेंस टू ए गिवन प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशन, तो पिक्सिट से आपको कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसकी हेल्प से आप किसी भी गिवन प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशन को कंफर्म करते हैं। तो इस टाइम से आपको एप्लीकेबिलिटी पता चल जाती है पिक्स पिक्सिट की हेल्प से। तो ये आपकी LTE की 36.523-2 है, और ये इसकी एप्लीकेबिलिटी है। अगर ये आपको दिखेगा स्पेक के अंदर, आर मतलब रिकमेंडेड और ऑप्शनल, एन ए नॉट एप्लीकेबल, सी आई कंडीशनल। कंडीशनल ये आई जो है ये लिखा हुआ मिलेगा कि कौन सी कंडीशन है, उस कंडीशन को जाके आप रेफर कर लो और वहां से टेस्ट केस आपको एप्लीकेबल हुआ है या नहीं वो आपको पता चल जाएगा। फिर तीसरी आती है हमारी 36.523-3, ये TTCM के लिए यूज होती है, जो हमारे टेस्ट सूट्स होते हैं। इसको आप ओपन करोगे तो ये इस टाइप से दिखेगी, जब आप इसे ओपन करोगे तो ये प्रोटोकॉल जो TTCN है उसके रिलेटेड है कि वो उसमें किस टाइप से जो TTCN का कोड है वो कैसे हिट होएगा, कैसे फॉलो होएगा, वो सारी चीजें इसके अंदर आपको मिलेंगी। तो इस टाइप से जैसे ये एग्जांपल के लिए इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको ये मिल जाएगा इस स्पेक के अंदर। जैसे ये आपका यूई है, ये आपका एयर इंटरफेस है, ये जो हार्डवेयर है सिमुलेटर का, उसके अंदर प्रोटोकॉल लेयर्स हैं और यहाँ पे सिस्टम डिपेंडेंट लेयर्स है। इसके बीच में ये इंटरनल इंटरफेस होता है, ये आपका PC है जिसके अंदर वो कोड जनरेट हो चलेगा। तो सिस्टम डिपेंडेंट लेयर्स ही आपस में बात करेंगे, यहाँ इंटरफेस है। तो ये SA और PA सिस्टम एडेप्टर और प्लेटफॉर्म एडेप्टर, ऊपर आपके TTCN3 जनरेटेड कोड है और ये आपके कोडेक्स है, और यहाँ से टेस्ट कंट्रोलर लॉगिंग होती है। तो इस टाइप से पूरा जो इंटरनली TTCN का स्ट्रक्चर है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे जो सिमुलेटर है वो यूई से बात करता है, और जो सिमुलेटर का हार्डवेयर है इंटरनली कैसे TTCN के कोड से कैसे इंटरेक्ट करता है, ये सारा कम्युनिकेशन जो ये 36.523-3 इसमें आपको ये मिल जाएगा। तो काफी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप रेफर कर सकते हो। अब आते हैं हम, इसके अंदर एक और चीज होती है TTCN3 व्यूअर। अब जितने भी ये टेस्ट केस हैं आप इनको व्यूअर के अंदर खोल सकते हो, उसका सोर्स कोड भी देख सकते हो। तो जिन कंपनीज में आप काम करोगे उनके अंदर ये आपको सोर्स कोड मिल जाएगा, अगर आप कंफर्मेंस पे काम करते हो। इस टाइप से देखो पूरा ये सूट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, 6.1 इसके अंदर आइडल सेल सिलेक्शन .TTCN, ये पूरी स्क्रिप्ट ये TTCN का है कि ये मॉड्यूल है, इसके अंदर इम्पोर्ट आपको करना है
लैंग्वेजेस में ये ASM नोटेशन ये यूज होती है। तो इस तरह से ये सारे जो कंपोनेंट है इसको इन्होंने इंपोर्ट कर लिया। तो इस टाइप से ये यहाँ पे टेस्ट केस को इन्होंने कमेंट करा हुआ है, सेल सिलेक्शन और ये QRX लेवल मिन। तो इस टाइप से आप पूरा TTCN3 का सोर्स कोड व्यू कर सकते हो, एक एक टेस्ट केस को खोल के देख सकते हो कि उसके अंदर लिखा क्या है, किस टाइप से टेस्ट केस लिखा जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाती है, चाहे आप 2G का टेस्ट केस हो, 3G का हो, 4G का हो, 5G का हो, अब जो 6G आ रहा है उसका हो, तो सबकी TTCN3 के अंदर आप सारे व्यू कर सकते हो, सारे एडिट भी कर सकते हो। कुछ कंपनीज में आप स्क्रिप्ट खुद से डेवलप कर सकते हो, टेस्ट स्क्रिप्ट होती हैं, आप इनको मॉडिफाई कर सकते हो, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हो जाती है। तो ये TTCN3 का व्यूअर है, इससे आप व्यू कर सकते हो। अब ऐसी हमारी 5G की कन्फर्मेंस टेस्ट स्पेसिफिकेशन है, जैसे LTE की है वैसे ही यहाँ पे 5G की है। तो जो जैसे सबसे पहले ये 523-1 वही सेम इसके अंदर आपको टेस्ट केसेस मिल जाएंगे, जो जो से टेस्ट केस आपके हैं वो सारे मिल जाएंगे। जैसे लेयर टू के इसमें मिलेंगे 7 पे 8 पे आपको RRC के मिल जाएंगे, तो यहाँ पे मैं RLCP TCPS DAP इस टाइप से इसके अंदर सेम जैसे उसमें था। आपको फॉर्मेट आपको LTE समझ आ गया, तो 5G भी उसी तरह से है, इसी तरह से तीन स्पेसिफिकेशन है, एक टेस्ट केसेस की है, एक आपकी एप्लीकेबिलिटी की, और एक आपकी TTCN सूट जो है वो है। और ये 9 पे आपको नेस लेयर के टेस्ट केसेस मिल जाएंगे, और 10 पे सेशन मैनेजमेंट जो इसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं उनके हिसाब से टेस्ट केसेस मिल जाएंगे। तो इसी टाइप से 5G के भी सिमिलर ही फॉर्मेट है सब कुछ, उसी हिसाब से आप इसके भी 4-5 टेस्ट केस निकाल लो कि इस टाइप से टेस्ट केस होते हैं, ये इनके सेक्शंस होते हैं, ये याद कर लो, आप इंटरव्यू में इसी टाइप से पूछेंगे वो, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि किस टाइप से होते हैं। अगर आप सिमुलेटर का कोर्स करना चाहते हो हमारा, तो वो भी कर सकते हो, उसमें आपके सारे सिमुलेटर कवर हो जाते हैं, यही सब टेस्ट सूट्स वगैरह जो है वो सब सिमुलेटर के अंदर आपको एग्जीक्यूट करने होते हैं। तो ये तो हमारी कन्फर्मेंस हो गई, अब सिमुलेटर से आप इसे जोड़ दोगे तो वो इसके अंदर सारे सूट्स जो है वो सिमुलेटर के अंदर होते हैं, वो कोर्स भी आप कर सकते हो। तो इस टाइप से ये पूरा कन्फर्मेंस का ये 38.523-1 है। अब ऐसी 38.523-1 है, इसमें मैं ज्यादा टाइम इसलिए ले रहा हूँ, सिमिलर ही पैटर्न है, सब कुछ सिमिलर आपको होता है इसके अंदर। जैसे यहाँ पे देखो एप्लीकेबिलिटी और प्रोटोकॉल टेस्ट केसेस, क्या सिर्फ टेस्ट केसेस एप्लीकेबल होंगे, तो इसके अंदर भी ये टेस्ट केसेस हैं, मैक का रैंडम एक्सेस प्रोसीजर, डाउनलिंक डाटा ट्रांसफर, अपलिंक डाटा ट्रांसफर, इस टाइप से इसमें भी पिक्स पिक्सिट होता है, कौन से रिलीज का है, कंडीशन आर है, ये रिकमेंडेड है वाला आर, और C02E02 पे जाके देख लो कि ये क्या कंडीशन है। तो इस टाइप से इसमें भी एप्लीकेबिलिटी पता चल जाती है कि कौन से टेस्ट केस आपके एप्लीकेबल होंगे, कौन से नहीं होंगे। सेम इसके अंदर भी कंडीशन है जैसे LTE में थी, वैसे यहाँ पे RONA और CI, रिकमेंडेड टेस्ट केसेस कौन से हैं, ऑप्शनल कौन से हैं, नॉट एप्लीकेबल और कंडीशनल। तो इसी टाइप से सिमिलर ये भी ऐसे ही काम करता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कन्फर्मेंस का पूरा बेस यही है कि आपको ये टेस्ट केसेस कैसे आपको रेफर करने हैं, कहाँ रेफर करने हैं, कैसे आपको पता करना है कि ये एप्लीकेबल है कि नहीं, कंडीशंस आपको कैसे चेक करनी है, TTCN3 को कहाँ रेफर करना है, यही दो तीन स्पेक्स अगर आपको रेफर करनी आती है आप आराम से कन्फर्मेंस टेस्टिंग कर सकते हो। मोर देन एनफ मैंने आपको ये बता दिया इस कोर्स के अंदर, आप कंपनीज में जाओगे लोगों को ये पता भी नहीं होगी, लेकिन एग्जीक्यूट करते हुए आपको दिख जाएंगे, मतलब उनको स्पेक रेफर भी नहीं करना होता होगा और वो जॉब कर रहे हैं। जब आप जाओगे कंपनी में तो देखना जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको मिलेगा, वो टेस्ट केस पर सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट उन्हें करना आता होगा, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको 4-4 5-5 साल एक्सपीरियंस वाले, सिर्फ टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, लेकिन आप उनसे पूछोगे कि इस पे कैसे रेफर करते हैं, कहाँ से टेस्ट केस आ रहा है, कुछ पता ही नहीं होगा उन्हें, पता होगा ये पता होगा ये कभी खोल के नहीं देखी होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो मैं कवर कर रहा हूँ, अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो तो मोर देन एनफ है आपको इंटरव्यू में बोलने के लिए। जो इंटरव्यूअर होगा हो सकता है उसने भी स्पेक ना खोल के देखी होगी, कंडीशन कैसे होती है, कैसे टेस्ट केस एप्लीकेबल होता है, हाइफन टू से जाके कैसे पिक्स पिक्सिट से जाके एनेबल डिसेबल होते हैं टेस्ट केस, उसे भी ना पता हो। तो आप आराम से अच्छे से इसे समझो और आप आराम से इंटरव्यू दे सकते हो कन्फर्मेंस टेस्टिंग का और प्रोटोकॉल टेस्टिंग का, GCF और PTCRB का भी अगर कोई आता है इंटरव्यू तो वहां पे भी दे सकते हो। अब तीसरी है हमारी 36.523-3,
ये TTCN4 प्रोटोकॉल, ये इसके अंदर TTCN का प्रोटोकॉल का टेस्ट सूट है, इसे भी आप रेफर कर सकते हो। ये तीनों स्पेक आप डाउनलोड करके रखो, LTE की 3 और 5G की 3, उनको रेफर करना आज से ही स्टार्ट कर दो। और बीच बीच में आप रेफर करते रहो, आपको खुद ही धीरे धीरे आइडिया लगता रहेगा। जितनी बार आप इन्हें ओपन करोगे स्पेक्स को, नॉर्मली लोग स्पेक को खोलते नहीं है, थोड़ी बोरिंग सी होती है, लेकिन मैंने इतना ही देखा है, जितना लोग इसको रेफर करते हैं उतनी उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती रहती है। चाहे आप प्रोटोकॉल स्टैक अगर LTE और 5G का पढ़ लो, उसमें भी लेयर्स की जितनी भी स्पेसिफिकेशन है सबके डाउनलोड करके रखो। एटलीस्ट आपके पास एक डेटाबेस होना चाहिए LTE के सूट का, 5G का, कौन कौन से स्पेक्स हैं, कन्फर्मेंस की, सबकी। लोग तो इवन RF और RLM की भी डाउनलोड करके रख लो, कभी रेफर करनी हो तो आपको पता होना चाहिए। तो ये 38.523-3। अब इसके अंदर ये आपको फुल फॉर्म वगैरह मिल जाती है, जैसे ASP, ASP एब्स्ट्रैक्ट सर्विस प्रिमिटिव, ATS एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट सूट, ENDC यूट्रेनेट ड्यूअल कनेक्टिविटी के टेस्ट केसेस भी इसमें होते हैं, ICS और IoT इम्प्लीमेंटेशन अंडर टेस्ट, LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB रैट, सिस्टम सिमुलेटर SS, TC टेस्ट केस, UL अपलिंक, UT अपर टेस्टर। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं, जो जब आप इस पैक को रेफर करोगे तो ये देख लोगे तो आपको पता रहेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। सबके फुल फॉर्म ज्यादातर अंदर स्पेसिफिकेशन में शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, तो फुल फॉर्म आपको पता होगा तो स्पेक अच्छे से रीड कर पाओगे। अब ऐसे ही इस स्पेक के अंदर आपको इस टाइप से दिख जाएगा कि भाई ENDC जैसे डुअल कनेक्टिविटी वाले, इधर यूट्रा है, इधर NR है 5G, तो इसके अंदर ये SRBs हैं, यहाँ इसमें SRB3 है, तो मास्टर और स्लेव रहता है ना जो, तो उस टाइप से ये मास्टर नोड और सेकेंडरी नोड, तो इस टाइप से ये आपको TTCN का कोड जैसे है इस टाइप से काम करेगा। यूट्रो का मैक हो गया, ये NR का मैक हो गया, ये यहाँ पे UE का ऑपरेशन मोड नॉर्मल है, तो इस टाइप से ये इन्होंने ऑब्जर्वेशन दे रखी है। यहाँ पे RRC और NAS का इम्युलेटर, NAS इंटीग्रिटी और साइफरिंग, यहाँ पे भी उसका इम्युलेटर है, तो ये आपस में सारी कनेक्टेड है, तो RRC लेयर सबको कंट्रोल करती है। तो इस टाइप से इन्होंने अंडरस्टैंडिंग आपको इस स्पेक में मिल जाएगी, तो इसको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो ये आपका 36.523-3 जो है उसके अंदर TTCN से रिलेटेड जो भी TTCN का कोड है, वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे एक दूसरे को कॉल करते हैं, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। अब इसके अंदर स्कोप, जैसे टेस्ट स्कोप और टेस्ट कवरेज, अब देखिए ये जो है ये एक तरह का टेस्ट स्कोप हो गया, सारी इसके अंदर स्पेक्स आ गई, जैसे 2G की हो गई, 3G की हो गई, 5G की हो गई, 4G की हो गई, 1.2.3, 1.2.3, तो ये आपका कंप्लीट टेस्ट स्कोप है जो टोटल है, मतलब इसे आप खोलोगे तो सारे टेस्ट केस हो गए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि सब कुछ चलेगा, तो ये टेस्ट स्कोप मतलब कि टेस्टिंग में कितना स्कोप है पूरा, ठीक है। और एक होती है टेस्ट कवरेज कि हमें कितना कवर करना है, जो पूरा स्कोप है हमारे, मान लो 2500 केस हैं, उसमें से हमारे 800 केस जो चलने हैं वो हमारी टेस्ट कवरेज हो गई, टेस्ट स्कोप पूरा स्कोप हमारा हो गया जो इस सिमुलेटर में चल रहा है। तो ये जो पूरी लिस्ट है ये सारा टेस्ट स्कोप एक तरह से, इसमें और भी बहुत सारी स्पेसिफिकेशन ऐड हो सकती है, अगर आप RF की करें, RRM की करें, तो बहुत सारी स्पेसिफिकेशन हो जाएगी। ये हमारा पूरा टेस्ट स्कोप है, आपका डिवाइस कितना टेस्ट करवाना चाहता है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है, क्या फीचर्स है, कौन सी टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है, उसके हिसाब से जो एक टेस्ट प्लान जनरेट होगा वो आपकी टेस्ट कवरेज होगी जो आपको कवर करनी है। अब टेस्ट कवरेज में कैसे पता चलेगा आपको क्या कवर करना है, मान लो GCOPT CRB है तो उसके हिसाब से कवर करने पड़ेंगे आपको टेस्ट केस। स्पेक अपग्रेड है, मान लो कोई स्पेक अपग्रेड हो गई जो 3GBP की, उसमें कोई टेस्ट केस ऐड हो गए वो चलाने पड़ेंगे। रिग्रेशन टेस्ट, मान लो कहीं पे फेलियर है, आपको कुछ दोबारा से चलाना है तो वो रिग्रेशन हो गया, तो इस टाइप से आपको कवरेज निकालनी पड़ती है कि आपको क्या चलाना है। स्कोप तो बहुत सारा है, टेस्ट केस बहुत है हमारे पास, 2500-3000 टेस्ट केस है, आपको क्या चलाना है, सारे तो नहीं चलाओगे आप, तो जो जो आपको चलाना है वो जो कवर करना है टेस्टिंग में वो उसकी कवरेज इसके अंदर आ जाती है। अब टेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर तीन चीज हमारी आती रही, नेटवर्क सिमुलेटर आ गए, उसके अंदर स्क्रिप्ट आ गई, और एक शील्ड बॉक्स। शील्ड बॉक्स तब यूज होता है, मान लो आपके पास चैम्बर नहीं है, जो बड़े वाले, ये पूरा जो बॉक्स है ये बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं, उसके अंदर ही लोग बैठ जाते हैं जाके जब टेस्टिंग करते हैं, लैब टेस्टिंग, वो नहीं है तो शील्ड बॉक्स भी हो सकता है। शील्ड बॉक्स का काम यह है कि आप डिवाइस को अंदर रख दो और बाहर के सिग्नल, जो रियल टाइम नेटवर्क के सिग्नल है, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, इनके जो सिग्नल्स आपके फोन लैब्स में पड़े हुए हैं या लोग बैठे हुए हैं उनके, और
और वहां के कोई कवरेज भी होगी, टावर वावर लगा होगा, वो सारे जो कवरेज है वो शील्ड बॉक्स के अंदर नहीं आती। तो ये तीन चीज आपको चाहिए। फिर इसके अंदर अब आपको कन्फर्मेंस टेस्टिंग करनी है, तो उसको मतलब कौन सा इक्विपमेंट यूज करना है। कन्फर्मेंस का अलग हो गया, सपोज RNM और RF का अलग सूट होता है तो उसका अलग रहता है। फिर आपको कन्फर्म यूसिम और यूसेट एक अलग, ये सिम की होती है, ये हमारी उसकी नहीं है, प्रोटोकॉल की नहीं है, ये सिम रिलेटेड रहता है। मतलब जो आपका सिम होता है ना, उसको आप जब डिवाइस में करते हो तो एक उसकी भी टेस्टिंग होती है, तो इसकी टीम अलग होती है। तो नॉर्मली PS ये प्रोटोकॉल का हो गया, RF RNM के ये सिमुलेटर हो गए, और एक यूसिम यूसेट। इसके अंदर एक कॉम्प्रैन IT3 करके टूल है, वो यूज होता है। और अब कॉम्प्रैन UT3 आ गया, तो वो कॉम्बिनेशन मतलब उस टूल को साथ आप CM2500 के साथ यूज कर लो, या उस टूल को आप एनरिच्सू के साथ यूज कर लो, तो वो किसी के साथ भी लग जाता है। लेकिन ये जो है, ये पूरा जो है आपका सिम जनरेट कर देता है। जैसे ये जो सिमुलेटर है, पूरे ई नोड भी जी नोड भी बना देते हैं, ऐसे ही ये UT3 प्लेटफॉर्म जो है कॉम्प्रैन का, ये पूरा सिम आपको वर्चुअली क्रिएट कर देता है जब आप टेस्ट करते हो। तो उससे भी रिलेटेड टेस्टिंग रहती है। जितनी बड़ी कंपनी है, सब में ये टीम होती है जो यूसिम यूजर देखती है। सिम की टीम बोलते हैं इसको, जैसे आपकी क्वालकॉम हो गई या मीडियाटेक हो गई, सब में होती है। सैमसंग हो गई, ओप्पो, जो बड़ी बड़ी कंपनी है जहाँ R&D होती है, वहाँ पे ये सारी टीम्स मिलेंगे आपको। तो इस तरह से ये पूरा कन्फर्मेंस की जो टेस्ट स्पेसिफिकेशन है, टेस्ट स्कोप है, टेस्ट कवरेज है, ये हमने डिस्कस किया। आई होप आपको सीखने को मिला होगा। थैंक्स, थैंक यू। आई होप आप इस कोर्स में काफी सीख रहे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे TTCN3 स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बेसिक्स। इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे हम TTCN3 लैंग्वेज। अब देखिए, ये जो लैंग्वेज है, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिलती। नॉर्मली पर्ल और पाइथन, यही सब आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सुनते हो, लेकिन जो TTCN3 लैंग्वेज है, काफी पुरानी लैंग्वेज है। और ये जितने भी टेस्ट केसेस हम सिमुलेटर के अंदर देखते हैं, वो कन्फर्मेंस टेस्टिंग के जो होते हैं, वो सारे TTCN3 के अंदर लिखे जाते हैं। तो चलिए इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, ये जो TTCN3 स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, अब इसकी फुल फॉर्म है टेस्टिंग एंड टेस्ट कंट्रोल नोटेशन वर्जन 3। तो इससे पहले TTCN2 भी था, तो ये जो है, ये वर्जन 3 जो है उसकी लैंग्वेज है। अब ये जो लैंग्वेज है, ये इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज है, मतलब ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। और ये जो डेवलप की है, ये इट्सी ने की है, जो हमने आपको इस कोर्स के अंदर वीडियो में मिल जाएगा इट्सी के बारे में। तो उसने ये डेवलप की है, पूरा जो इसका डेवलपमेंट है या आगे फ्यूचर एनहांसमेंट है, वो सारी कुछ इट्सी करता है। उसकी एक कमिटी है MTS, जो कि है मेथड्स फॉर टेस्टिंग एंड स्पेसिफिकेशन। मतलब पूरी उसकी टेस्टिंग, उसकी स्पेसिफिकेशन डेवलप करना, ये सारा काम इट्सी करता है। तो ये TTCN3 का एक आपको पूरा ओवरव्यू है कि वो कैसे कैसे डेवलप हुई, कौन उसे डेवलप करता है, और क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है TTCN3, ये मोर देन 15 ईयर से आपको स्टैंडर्डाइजेशन फील्ड में एक यूज हो रही है। और ये जो बेसिकली डिजाइन की गई है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन। अब जो अलग अलग सर्टिफिकेशन है, जैसे GCF, PTCRB या फिर ऑपरेटर के सर्टिफिकेशन हो गए, उसके अंदर जो टेस्ट केसेस होते हैं, उसको डेवलप करने के लिए मेनली ये बनाई गई है। तो ये डेवलप एंड मेंटेन बाय कौन, इट्सी करती है। उसकी जो टीम है, टेस्टिंग एक्सपर्ट्स हैं इंडस्ट्री के, इंस्टीट्यूट्स के, अकेडमिया के, वो सारे इसको करते हैं डेवलप। अब ये जो है, ये मतलब जो टेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, ये आप एप्लीकेशन डोमेन और अदर अदर टाइप्स की टेस्टिंग के अंदर आप इसे यूज कर सकते हो। और बहुत ही मतलब अगर एक बार आप इसे सीख लेते हो, तो आपको काफी हेल्प भी इसके अंदर मिलेगी। अब देखिए, जो ये लैंग्वेज है, इसके अंदर इन्होंने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, जैसे कि 3GPP के आपने प्रोटोकॉल स्टैक सुना होगा, उसके अंदर RRC, NAS, लेयर, इन सब की स्पेसिफिकेशंस होती हैं। ऐसे ही इट्सी ने ये सारी स्पेसिफिकेशन बना रखी हैं, फ्रीली अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे कि ES201873-1 Z.101, तो अगर आप इसको टाइप करोगे गूगल पे, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो कोर लैंग्वेज है इसके अंदर TTCN3 की, उसके बारे में आपको इसके अंदर मिलेगा।
ऐसे ही ये 201.873-2-3-4, तो अलग अलग ये स्पेसिफिकेशन है। इसके अंदर आपको एक TFT फॉर्मेट होता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, कि आपको टेबुलर फॉर्म में देखना है तो आप TFT डाउनलोड कर लो, उसको आप रेफर करो। एक GFT होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, उसकी स्पेसिफिकेशन अलग है, ऑपरेशनल सिमेंटिक्स के लिए अलग है। अगर आपको रन टाइम इंटरफेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको TRI भी बोलते हैं, तो उसकी स्पेसिफिकेशन ये वाली है 873-5। कंट्रोल इंटरफेसेस TCI जो है उसकी स्पेसिफिकेशन है 873-6, और ऐसे ही 873-7, ऐसे ही ये नई नई ऐड होती रहती हैं। तो ये सारी इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, आप इनको रेफर कर सकते हो डिटेल में समझने के लिए। तो ये जो है ये इसके स्टैंडर्ड्स हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, एक तो ये बहुत ही सिंपल, सीखने में बहुत आसान है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर क्या है कि आप जो टेस्ट केस है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसमें सिंटेक्स दे सकते हो पूरा, आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो। ऑटोमेशन के लिए बहुत अच्छी है लैंग्वेज, तो इसको आप एग्जीक्यूशन के लिए, ऑटोमेशन के लिए यूज भी कर सकते हो। अब इसके जो है वो 5 डिफरेंट कमर्शियल अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो ये अवेलेबिलिटी भी है इसकी। ओपन सोर्स कम्युनिटी नाउ टेकिंग शेप, अब इसकी ओपन सोर्स कम्युनिटी भी ये बना रहे हैं, जिसके अंदर आप टेस्ट सूट्स हो गया, मॉड्यूल्स हो गया, ये आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या है कि आप कैन बी यूज टू स्पेसिफाई टेस्ट फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एज वेल एज प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट फीचर्स। आप इसको स्टैंडर्ड्स बनाने में भी यूज कर सकते हो, या फिर कोई आप अपना प्रोडक्ट बनाना चाहते हो उसके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो। स्केलेबल है, फ्लेक्सिबल है, तो ये सारी इसकी बेनिफिट्स हैं जो TTCN3 हमें देती है। तो ये आज TTCN3 का पहला पार्ट है, सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपने सीखने को मिला होगा। हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे TTCN3 के अंदर अलग अलग डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज होते हैं, तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं। तो अब देखिए, जो TTCN3 कोर लैंग्वेज है, अब इसके अंदर इन्होंने जो फॉर्मेट बताए हुए हैं उसके अंदर, जैसे इन्होंने टेबुलर फॉर्मेट है, ग्राफिकल फॉर्मेट है, तो इस टाइप से टेक्स्ट फॉर्मेट है, तो ये तीन जो फॉर्मेट इन्होंने बताए हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट, टेबुलर फॉर्मेट एंड ग्राफिकल फॉर्मेट। तो इन तीन फॉर्मेट के हिसाब से आप इसको देख सकते हो। इसके अंदर जो जो आपकी स्क्रिप्ट लिखी हुई हैं वो आप इसके अंदर देख सकते हो। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो पॉपुलर है, वो टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट है। अब इसके अंदर आप अलग अलग टाइप से भी व्यू कर सकते हो। अब इससे पहले TTCN3 से पहले TTCN2 थी, तो वहां पे टेबुलर फॉर्मेट ज्यादा यूज होता था, और जो ग्राफिकल फॉर्मेट है उसके अंदर विजुअल जो ओवरव्यू है वो ज्यादा अच्छा दिखता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इसमें तीन तरह के फॉर्मेट है, टेक्स्ट फॉर्मेट, टेबुलर फॉर्मेट और ग्राफिकल फॉर्मेट। अब ये जो एग्जाम्पल है टेस्ट फॉर्मेट का, ये एग्जाम्पल है। अब इसके अंदर जैसे आपका टेस्ट केस है, उसके अंदर टाइमर हो गया, या पोर्ट आप सेंडिंग और रिसीव करने के लिए, तो इस टाइप से आपको टेक्स्ट की फॉर्म में ये सारा इस टाइप से आपको दिखेगा। ये नॉर्मल, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो इसको ये टेक्स्ट फॉर्मेट बोलते हैं। दूसरा जो फॉर्मेट है वो आपको ग्राफिकल फॉर्मेट की फॉर्म में दिखेगा। अब जैसे इसके अंदर क्लाइंट है DNS का, ये यहाँ पे सर्वर है, यहाँ DNS पोर्ट। अब ये इनका टेस्ट केस है जो कि DNS क्लाइंट पे रन हो रहा है, तो इसके हिसाब से अब इसमें पास और फेल, तो इन्होंने ग्राफिकल उसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है कि अगर पास होता है तो ये होगा, फेल होगा तो ये होगा। इनकनक्लूसिव जाता है टेस्ट केस, ना पास हुआ ना फेल हुआ। तो तीन ही वर्डिक्ट आते हैं जब भी आप कोई टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हो सिमुलेटर पे, तो या तो पास होता है या फेल होता है या इनकनक्लूसिव होता है, तो तीन ऑप्शन हमारे उसमें रहते हैं। तो इस टाइप से आपको ग्राफिकल फॉर्मेट दिखता है TTCN3 के अंदर। तीसरा जो है इसमें टेबुलर फॉर्मेट है, ये पहले ज्यादा चलता था, पहले ज्यादा आपको इस टाइप से दिखता था। अब इसके अंदर जैसे टेस्ट केस हो गया, MTC टाइप, DNS क्लाइंट, यहाँ पे आपने इस टाइप से ये एक पूरा बिहेवियर जो इसका है वो अंदर आपको दिखेगा, तो इस टाइप से एक टेबुलर फॉर्म में ये आपको दिखता है। तो तीन तरह के फॉर्मेट, टेक्स्ट बेस्ड हो गया, ग्राफिकल हो गया और टेबुलर हो गया। ये आपके जो टेस्ट केस विजिबल होंगे, जो आपके एडिटर्स होते हैं TTCN3 के, उसके अंदर आपको ये अलग अलग फॉर्मेट आप उसके अंदर देख सकते हो। तो ये फॉर्मेट्स हैं जो TTCN3 के अंदर अवेलेबल है। अब ये जो TTCN3 लैंग्वेज है, ये अदर लैंग्वेजेस के साथ भी कंपेटेबल है, तो जैसे कि ASIN.1 टाइप्स हो गया, XML हो गया, IDL हो गया,
और अदर लैंग्वेजेस हो गया, उनके साथ आप TTCN3 को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ आप TTCN3 इंटीग्रेट हो सकती है, फुल्ली हार्मोनाइज विद ASN.1 नोटेशन, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम नोटेशन जो ASN नोटेशन होती है उसके साथ फुल्ली कंपैटिबल है। और जो अदर लैंग्वेजेस हैं जैसे IDL, XML, C++, उसके साथ भी आप TTCN3 को इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेपरेटली जाके ये काम करती है TTCN3, आप सारी जो मेन लैंग्वेजेस हैं उसके साथ इसको आप इंटीग्रेट करा जा सकता है आसानी से। अब TTCN3 के अंदर टेस्ट सूट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको टेस्ट सूट पता होना चाहिए कि TTCN3 के अंदर टेस्ट सूट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब जो ये टेस्ट सूट्स हैं इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, जैसे ये हमारा टेस्ट सूट है तो सबसे पहला जो है इसके अंदर टेस्ट डेटा टाइप्स, कि डेटा टाइप्स कौन सा इसके अंदर यूज होगा, जैसे पॉसिबल इनकोडिंग और डिकोडिंग इन्फॉर्मेशन बिल्ड इन बेसिक टाइप। अब सबसे पहले बेसिक इंटीजर हो गया, बुलियन हो गया, फ्लोट, बिट स्ट्रिंग, हेक्स स्ट्रिंग, तो ये हमारे बिल्ड इन बेसिक टाइप्स हो गए। उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर टाइप्स, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ, सेट, सेट ऑफ, यूनियन, इन्यूमरेटेड, तो ये हमारे डेटा टाइप्स हैं अलग अलग जो TTCN3 में यूज होते हैं। और एक स्पेशल टाइप्स के भी होते हैं जो कि कंपोनेंट, पोर्ट, वर्डिक टाइप, डिफॉल्ट, जैसे कौन सा कंपोनेंट, पोर्ट, आप कौन से पोर्ट से सेंड कर रहे हो, कौन से रिसीव कर रहे हो, वर्डिक टाइप, पास फेल, जो भी आपको देना है। तो इस टाइप से ये डेटा टाइप्स टेस्ट सूट के अंदर आपको टेस्ट डेटा टाइप्स मिलेगा, ये इसका पहला बिल्डिंग ब्लॉक्स है। दूसरा इसके अंदर आता है एक्चुअल टेस्ट डेटा, जो आपका एक्चुअल डेटा है जब आप टेस्टिंग कर रहे हो उस समय जो आपको डेटा चाहिए, जो टेस्ट डेटा की वैल्यूज जो आपको चाहिए वो टेस्टिंग के टाइम पे। तो इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स और टेम्पलेट्स फॉर स्पेसिफिक मैसेज और कॉल पैरामीटर वैल्यूज, मैचिंग एक्सप्रेशंस कि आपको मल्टीपल मैसेजेस के लिए कोई एक्सप्रेशंस मैच करानी है, तो रेंज हो गई, वैल्यू लिस्ट हो गई, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन, तो इस टाइप से एक्चुअल जो आपको टेस्ट डेटा यूज करना है टेस्टिंग के टाइम पे वो टेस्ट सूट के अंदर सेकेंड बिल्डिंग ब्लॉक है। थर्ड इसके अंदर है टेस्ट कॉन्फिग्रेशन, जैसे कि आपकी स्टैटिक हो गई, कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती हैं जो फिक्स रहती हैं, स्टैटिक रहती हैं, कुछ होती हैं डायनेमिक जो चेंज होती रहती हैं। तो टेस्ट स्टैटिक के अंदर टेस्ट कंपोनेंट एंड पोर्ट टाइप्स हो गए, वो आपके स्टैटिक रहेंगे। डायनेमिक के अंदर आपकी मैपिंग ऑफ टेस्ट कंपोनेंट टू ATS, एक इसके अंदर ATS होता है, एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट सिस्टम इंटरफेसेस, कनेक्शन बिटवीन टेस्ट कंपोनेंट इंटरफेसेस, मैनेजमेंट ऑफ टेस्ट कंपोनेंट्स, तो ये सारे डायनेमिक एस्पेक्ट्स हैं। तो ये हमारी टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो टेस्ट सूट के अंदर तीसरा बिल्डिंग ब्लॉक है, जिसके अंदर दो रहते हैं स्टैटिक और डायनेमिक। फोर्थ आता है टेस्ट बिहेवियर, जो अब टेस्ट बिहेवियर मतलब टेस्ट जो टेस्ट केसेस हैं उसके अंदर आपको जैसे सेंड करना है, रिसीव करना है मैसेजेस को, वर्डिक्ट असाइन करना है, पास फेल, वो सब आप इसके अंदर कर सकते हो, रीयूज करना है किसी बिहेवियर को, या टाइमर्स, टाइम आउट्स, और जब आपको टेस्ट एग्जीक्यूशन कंट्रोल इसके अंदर ऑप्शनल होता है, जैसे रिपीट करना है, कंडीशंस डालनी है, तो ये सारे टेस्ट बिहेवियर के अंदर आता है। तो आपको टेस्ट सूट इसके अंदर रहता है पूरा, जिसके अंदर बहुत सारे टेस्ट केसेस रहते हैं, तो उस टेस्ट सूट के अंदर आपका कौन सा डेटा टाइप है, कौन सा टेस्ट डेटा है, टेस्ट कॉन्फिग्रेशन क्या है, टेस्ट बिहेवियर क्या है, तो इसके चार बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो TTCN3 के अंदर हम यूज करते हैं। तो आई होप आपने इस वीडियो के अंदर काफी कुछ सीखा होगा TTCN3 से लेकर। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप मॉड्यूल्स किसे कहते हैं TTCN3 के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए TTCN3 के अंदर जैसे सपोज आपने कोई भी मॉड्यूल बनाया है, तो उसके अंदर आपको दो चीज रखनी होती है कि मॉड्यूल के अंदर डेफिनेशन होनी चाहिए और मॉड्यूल के अंदर कंट्रोल पार्ट होना चाहिए। तो दो पार्ट मॉड्यूल के अंदर हमारे रहते हैं। सपोज ये कोई मॉड्यूल है, फॉर एग्जाम्पल इटसी DNS टेस्ट, तो इसके अंदर आपने ये ब्रेसिस को ओपन किया और यहाँ आपने अपनी डेफिनेशन डाल दी, जो भी आपकी टेस्ट डेफिनेशन है उसको आपने डाल दिया। फिर उसी के अंदर आपको कंट्रोल पार्ट भी डालना है, जिसके अंदर आपने फिर ये ब्रेसिस को ओपन किया और यहाँ पे आपने टेस्ट एग्जीक्यूशन पार्ट, अगर आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप उसको डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, और यहाँ आपने ब्रेसिस को बंद कर दिया और इसको भी बंद कर दिया। तो ये हमारा मॉड्यूल है जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं, मॉड्यूल डेफिनेशन और मॉड्यूल कंट्रोल। अब ये जो मॉड्यूल डेफिनेशंस हैं इसके अंदर भी बहुत सारी चीज आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे मॉड्यूल डेफिनेशन के अंदर टाइप डेफिनेशन, पोर्ट डेफिनेशन, कंपोनेंट डेफिनेशन, टेम्पलेट, टेस्ट केसेस, ये सारी चीजें आप मॉड्यूल डेफिनेशन के अंदर डाल सकते हो, कि टाइप क्या है, पोर्ट क्या है, कंपोनेंट क्या है, टेम्पलेट्स क्या है, टेस्ट केस क्या है,
तो ये सारा आपका डेफिनेशन के अंदर आएगा, और जो कंट्रोल पार्ट है उसके अंदर आपको आएगा कि आपको जो अपने टेस्ट केस हैं उसका कंट्रोल कैसे लेना है, जो एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस है। सो कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस, ये आता है कंट्रोल पार्ट। तो दो पार्ट है इसके अंदर, मॉड्यूल डेफिनेशन और कंट्रोल पार्ट। मॉड्यूल डेफिनेशन के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं, टाइप, पोर्ट, कंपोनेंट, टेम्पलेट्स एंड टेस्ट केसेस। तो ये हमारा मॉड्यूल है जो कि दो पार्ट से कंप्राइज होता है, मॉड्यूल डेफिनेशन और कंट्रोल पार्ट। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉप इंडस्ट्री प्लेयर्स अक्रॉस डिफरेंट डोमेन्स। अब देखिए, अगर आप कोई कोर्स करते हो या फिर आप सपोज LTE, 5G, कन्फर्मेंस टेस्टिंग ये सब सीख रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीखने के बाद कहाँ पे अप्लाई करोगे, कौन कौन से टारगेट डोमेन से जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आता है चिपसेट मैन्युफैक्चरर्स, 5G हो गया, LTE हो गया। कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो चिपसेट बनाती हैं, मॉडेम बनाती हैं, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर होता है जो कि रन होता है आपके डिवाइसेस के अंदर। तो उसमें ये कंपनीज है जैसे क्वालकॉम हो गया, हाई सिलिकॉन, सैमसंग, मीडियाटेक, टाइगर। तो ये सारी जो कंपनीज हैं ये चिपसेट बनाती हैं। इन सब कंपनीज के अंदर LTE की, 5G की प्रोटोकॉल टेस्टिंग डेवलपमेंट की ओपनिंग्स निकलती रहती हैं। तो आप इन्हें टारगेट कर सकते हैं और इन सब के बारे में आप पढ़ते रहिए, ताकि कौन कौन से लेटेस्ट चिपसेट ये कंपनीज लॉन्च करती है आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अप टू डेट रहोगे तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, और आप जब भी इंटरव्यू दोगे तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बताओगे, तो आपके जॉब को सिलेक्शन होने में आपका मतलब ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे। दूसरा है डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं ग्लोबली जो कि डिवाइसेस बनाती हैं, जैसे कि सैमसंग, मोटरोला, ओप्पो, वीवो, हुआवे, एलजी, एप्पल, इंसीगो, जेटी, वन प्लस, बहुत सारी कंपनीज हैं। इसमें तो बहुत सारे नाम भी नहीं है, लेकिन ये सारी कंपनीज के अंदर इसी टाइप की रिक्वायरमेंट्स में निकलती है, क्योंकि अगर ये ग्लोबल कंपनीज हैं और इनके अंदर LTE और 5G का सपोर्ट है मोबाइल के अंदर, तो आपको ये सारे काम हर जगह करने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इन कंपनीज को फॉलो करते रहें। आप एक अपना लिंक्डइन के अंदर इन कंपनीज को फॉलो करें, ताकि इनकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। थर्ड है टेस्ट लैब्स फॉर एक्रीडिएशन। अब देखिए जी, जो से भी ये सर्टिफिकेशन होते हैं, इन सब की टेस्ट लैब्स होती हैं। ये आप अगर अपने इंटरनल पास भी कर लेना टेस्ट केस, तो उसकी कोई मतलब आप उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको किसी थर्ड पार्टी के थ्रू सर्टिफिकेट लेना होगा, क्योंकि ये ऑथराइज्ड हैं किसी भी डिवाइस को सर्टिफाई करने के लिए, चाहे वो GCF हो, चाहे वो PTCRB हो। ऑपरेटर सर्टिफिकेशंस में भी यूज होती हैं ये लैब्स। तो जैसे कि टेक्रा हो गई, SGST, TA7 लेयर्स, टेक महिंद्रा, सिटीकॉम, इंडिया की टेक महिंद्रा ही है जो इन सब चीजों में रहती है आगे सबसे, और कोई इंडिया में नहीं है। ये टेक महिंद्रा का मतलब काफी अच्छा इनका एक्सपोजर है, जो ये लैब्स के अंदर इनके पास सिमुलेटर सारे मिलेंगे आपको, हर एक कंपनी के मिलेंगे। तो ये सारी कंपनीज को भी आप टारगेट कर सकते हो। तो जो आपकी जो माइंडसेट है वो आपका खुल जाना चाहिए कि भाई बहुत सारी ऑप्शंस हैं, अगर मैं अच्छे से टेक्निकल कन्फर्मेंस, प्रोटोकॉल टेस्टिंग ये सब अच्छे से कर लेता हूँ, सिमुलेटर्स की अंडरस्टैंडिंग, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे इन कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक करने के। फिर ऑपरेटर्स आ जाते हैं। आप बहुत सारे ग्लोबल ऑपरेटर्स हैं, काफी बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं जो बहुत सारी ऑडियंस को सर्व करते हैं, तो उनके साथ भी आपको सर्टिफिकेशन करना पड़ता है जो ऑपरेटर का है, तो उसकी अलग टेस्टिंग होती है। तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इन सब के अंदर पूरी टीम्स होती हैं जो इन कामों को करती हैं, जैसे कि AT&T हो गया, वेराइजन, सॉफ्टबैंक, राकुटेन। राकुटेन में अभी पीछे इतनी जॉब्स निकली थी पिछले साल, मतलब भर भर के ओपनिंग निकली है। वीवो हो गया, स्प्रिंट हो गया, तो ये सारी जो ऑपरेटर्स हैं जहाँ पे आपको ओपनिंग्स निकलती हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट सर्टिफिकेशन टाइप्स फॉर डिवाइसेस। अब देखिए, अलग अलग डिवाइसेस होती हैं हमारी, उनके आपको सर्टिफिकेशन कराने पड़ते हैं अगर आप उनको लॉन्च करना चाहते हो। तो देखते हैं कौन कौन से टाइप्स के सर्टिफिकेशन होते हैं। अब देखिए, ये तीन टाइप्स के सर्टिफिकेशन है मेनली जहाँ पे जॉब्स रहती हैं हमारी।
तो कन्फर्मेंस की जॉब्स हैं वो मेनली आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज इन्होंने सर्टिफिकेशन के अंदर बना रखी है। जैसे कि आपको एक हो गया रेगुलेटरी कंप्लायंस और सर्टिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कुछ लोगोज होते हैं जो आपके डिवाइस पे लगे होते हैं, तो वो रेगुलेटरी जो भी वहाँ की गवर्नमेंट है उसने वो सर्टिफिकेशन बनाए हुए होते हैं, तो उसका आपको कंप्लायंस लेना पड़ता है कि हाँ ये आपने लोगो लगवा लिया है, अब आप अपने डिवाइस को लॉन्च कर सकते हो। तो वो जो हार्डवेयर होगा उस पे वो लोगो लगा होगा। तो जैसे कि ये FCC सर्टिफिकेशन होता है, CE सर्टिफिकेशन होता है, तो इस टाइप से ये अलग अलग सर्टिफिकेशन होते हैं, ये आते हैं रेगुलेटरी कंप्लायंस के अंदर। ठीक है, दूसरे हमारे होते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के सर्टिफिकेशन, जो कि जिसमें हम पूरी टेलीकॉम से रिलेटेड टेस्टिंग करते हैं, LTE, 5G, 2G, 3G, ये सारी टेक्नोलॉजी जो है उनकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये GCF और PTCR भी हमारा इसके अंदर आता है, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन के अंदर आता है, जो कि हमने डिस्कस किया था। अब तीसरा एक और होता है जो कि है ऑपरेटर सर्टिफिकेशन। अब ऑपरेटर सर्टिफिकेशन क्या है, जैसे कि वेराइजन हो गया, टेलीफोनिका हो गया, AT&T, टी मोबाइल, ये सब ये जो ऑपरेटर्स हैं इनके अपने खुद के सर्टिफिकेशन है। क्योंकि कुछ कंट्रीज में ऐसा है कि आप जो मोबाइल फोन है या कोई डिवाइसेज है आपको ऑपरेटर के साथ मिलके सेल करना होता है, तो वहां पे ऑपरेटर का जो है वो बोलता है, जो डिवाइस मैन्युफैक्चरर है जैसे AT&T है, वो सैमसंग या एप्पल से बोलेगा कि आपको अगर यहाँ पे फोन लॉन्च करना है US के अंदर, तो आपको मेरा सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, मेरे जो टेस्ट केसेस हैं वो एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, जो भी सिमुलेटर्स पे वैलिडेटेड हैं उनको आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो वो सर्टिफिकेशन कराता है। तो वो भी ये पूरा 3 से 6 महीने का पीरियड होता है, जहाँ पे अलग अलग टाइप के सर्टिफिकेशन पैरेलली चल रहे होते हैं। क्योंकि अगर कोई जैसे सैमसंग है, उसको कोई मोबाइल लॉन्च करना है तो उसको GCF कराना पड़ेगा, अगर यूरोप में करना है, PTCR भी करना है तो नॉर्थ अमेरिका में, ये हो गया कन्फर्मेंस का। लेकिन ऑपरेटर साइड पे भी अलग सर्टिफिकेशन होता है, वो भी आपको कराना पड़ता है। तो पूरा एक स्टैंडर्ड इकोसिस्टम बना रखा है सबने, और इससे उनको पैसे भी मिलते हैं, क्योंकि GCF और PTCR भी ये ऑपरेटर है, इसमें काफी पैसा भी लगता है, तो कोई छोटी कंपनी है कर भी नहीं सकती। जो भी बड़ी MNCs कंपनी है वही करती हैं, जिनके बल्क में ऑर्डर होते हैं, जिनके बहुत ज्यादा मोबाइल फोन सेल होते हैं या IoT डिवाइसेस सेल होते हैं, NB-IoT डिवाइसेस, वही ये लोग कर पाते हैं। तो ये तीन इंडस्ट्री के सर्टिफिकेशन है जो होते हैं और ये कराने पड़ते हैं आपको, अगर आप अपना मोबाइल फोन लॉन्च कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, तब आपको ये सब करना पड़ेगा। अब जब ये करते हैं तो इनके अंदर फेलियर्स आते हैं, टेस्टिंग करनी पड़ती है, फेलियर्स आते हैं तो फिक्स होते हैं, वो डेवलपर फिक्स करता है, तो टेस्टिंग और डेवलपमेंट का दोनों कहीं यहाँ पे जॉब्स ओपनिंग रहती हैं, और आप यहाँ पे अच्छा करियर बना सकते हैं, क्योंकि ये जितनी भी कंपनीज हैं वो इन्हें करती हैं, वो सारी अच्छी MNCs कंपनी होती हैं, तो काफी अपॉर्चुनिटी आपको ग्लोबली भी मिल जाती है। मतलब इंडिया में तो आपको जॉब मिल ही जाएगी, बाहर भी आपके जाने के, ऑन साइट जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक तरह से पूरा ग्लोबल ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ग्लोबली काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली स्पेसिफिक यहीं पे काम करेगा। इंडिया के अंदर तो कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं है, कोई भी अपना कोई भी डिवाइस लॉन्च कर सकता है, यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड है बाहर की कंट्रीज में काफी फॉलो किए जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब एक ये जैसे सर्टिफिकेशन सपोज आपको लेना है कोई, तो उसमें कन्फर्मेंस प्लस रेगुलेटरी आपको दोनों लेने पड़ेंगे। मतलब आपको रेगुलेटरी भी अप्रूवल लेना पड़ेगा उस कंट्री के हिसाब से, और आपको कन्फर्मेंस भी कराना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रोडक्ट सर्टिफाइड होगा। ऐसा नहीं कि खाली आपने कन्फर्मेंस कर ली, रेगुलेटरी नहीं किया तो आपको मिल जाएगा, आपको दोनों कराने पड़ेंगे, तब जाके आपका प्रोडक्ट सर्टिफाइड होगा और आप लॉन्च कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को। तो ये जो सर्टिफिकेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ अलग अलग डोमेन्स है, जो आपको अलग अलग सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, तब जाके एक आपका कंप्लीट सर्टिफिकेट मिलेगा और वो प्रोडक्ट सर्टिफाइड होगा। तो इस टाइप से ये रहता है सर्टिफिकेशन के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे, अगर आपने कन्फर्मेंस टेस्टिंग की जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, तो उसका जो JD है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो किस टाइप से आपको दिखेगा, जो LTE और 5G प्रोटोकॉल टेस्टिंग के लिए है। तो चलिए देखते हैं, मेरे पास 3-4 मैंने JD निकाले हैं, अगर उससे रिलेटेड आपको दिखे तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी हमने कोर्स में कवर किया है, डिस्कस किया है, ज़्यादातर आपको वैसा ही कुछ दिखेगा JD के अंदर। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, ये एक JD है, ये कैपजेमिनी इंजीनियरिंग का है,
काफी अच्छी कंपनी है, यहाँ पे ओपनिंग निकलती रहती है। तो इन्होंने भी देखिए इसी तरह से लिखा हुआ है, 2G 3G LTE 5G। अब इन्हें लॉग एनालिसिस का चाहिए बंदा जिसको LTE की अंडरस्टैंडिंग ऑफ 5G के लॉग्स देख के एनालिसिस कर सके, L1 L2 L3 और RF प्रोटोकॉल्स का। अब इन्होंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन डीबगिंग इशू ऑब्जर्व्ड इन GCF PTCRV। अब देखिए जो GCF PTCRV है, इस कोर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसके जब सर्टिफिकेशन होता है जो उसमें फेलियर्स आते हैं, तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। आपको फिक्स कराना है डेवलपर की हेल्प से लेके कैरियर एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेशन, जो ऑपरेटर के सर्टिफिकेशंस होते हैं, कन्फर्मेंस, जो हमने इस कोर्स में टॉपिक है हमारा कन्फर्मेंस, उससे रिलेटेड अगर इश्यूज हैं तो इस टाइप से आप, अगर आपको दिखे तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर IMS वोल्टे का भी ये मॉडेम लॉग एनालिसिस मांग रहे हैं, तो इस तरह से आपको दिखे तो आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। कन्फर्मेंस टेस्टिंग का ऐसे है, आपको अगर LTE और 5G की टेक्निकल नॉलेज है और आपको ये सिमुलेटर के बारे में अंडरस्टैंडिंग है और आपको पता है GCF PTCRV कैसे करते हैं, तो कन्फर्मेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज में ये ओपनिंग निकलती रहती है। ये हमारी पहली JD है जॉब डिस्क्रिप्शन। दूसरा देखते हैं, अब एक इस टाइप से भी निकलती है कि इन्होंने LTE के कंसेप्ट आपको आने चाहिए, LTE प्रोटोकॉल टेस्टिंग, कन्फर्मेंस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो इस टाइप से अगर है, हैदराबाद, बेंगलोर, गुड़गांव, इन मेनली इन तीन लोकेशंस के ऊपर ही जॉब्स निकलती हैं। चेन्नई कोई जाना नहीं चाहता, तो नॉर्मली लोग यहीं पे, नोएडा भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। तो इस टाइप से इन्होंने देखिए 3GPP मांगा है कि आपको GSM GPS, मतलब हो गया इसका मतलब 2G 3G 4G 5G कैपेबल फोन्स की जो 3GPP स्पेसिफिकेशंस हैं, जो हमने कन्फर्मेंस की स्पेसिफिकेशन डिस्कस करी अर्लियर वीडियोस के अंदर, तो वो सेम वही वाली ये मांग रहे हैं। तो ये दूसरे टाइप का JD है, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर इस टाइप का आपको कहीं पे भी दिखे। तो लिंक्डइन पे आजकल बहुत ज्यादा लोग जो रिक्रूटर्स हैं वो एक्टिव रहते हैं, आप उनसे नेटवर्क बना के रखिए तो आपको पोस्ट मिलती रहेंगी और आप तुरंत अप्लाई कर दीजिए और उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटर से बात कीजिए तो आपकी जॉब आसानी से लग जाएगी। फिर एक एक ये है, ये बाहर की लोकेशन के लिए टेक महिंद्रा के अंदर है, तो इसमें डिवाइस और जो लैब टेस्टर की रिक्वायरमेंट है, तो इन्होंने भी LTE और 5G डिवाइस लैब प्रोटोकॉल कन्फर्मेंस टेस्टिंग RF RRM। अब जो कन्फर्मेंस टेस्टिंग है उसमें तीन चीजें मेनली चेक होती हैं, प्रोटोकॉल RF और RRM। तो मेनली ये जो कोर्स है प्रोटोकॉल का है, हम प्रोटोकॉल से रिलेटेड कन्फर्मेंस के बारे में हमने बात की है, लेकिन RF और RRM जो हमारे फीचर्स होते हैं डिवाइस के, उसके ऊपर भी कन्फर्मेंस की जाती है, उनके अलग टेस्ट केसेस होते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिमुलेटर्स के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, RNS CMW500 NIT Keysight NI9000 NRitsu। तो हमारा जो सिमुलेटर वाला कोर्स है वो कर सकते हैं आप, तो वो सारा कुछ ये उसके अंदर कवर है। अब 3GPP GCF एंड PTCRV प्रोटोकॉल कन्फर्मेंस टेस्टिंग, तो इस टाइप से आपको टूल्स आने चाहिए, QXDM इंटेल का STT होता है, लॉग कैप्चर टूल होता है ये। तो इस टाइप से ये JD निकलती है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी है। इस टाइप का आपको कहीं पे भी दिखता है तो आप वहां पे तुरंत अप्लाई कीजिए और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।